मैंने कोड ओपन कर लिया है आपका। अच्छा, इसकी तो हमने एक अलग रिपॉजिटरी बना ली थी ना, इस कोड को कॉपी करके एक अलग रिपॉजिटरी में हमने डाल दिया था। क्या नाम रखा था उसका हमने? चैट ऐप है यहाँ पे, वो मर्न चैट ऐप, मेरे ख्याल यही है ना, यही वाला है ना, मर्न चैट ऐप। अच्छा, तो बस फिर इसको हम ओपन करते हैं। इसको बंद कर देता है, सही है। अल्टीमेटली वो वाला कोड मैं इधर लाके पेस्ट कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं किया मैंने, अभी इसको बंद कर देते हैं, उस पे ही चलते हैं। अच्छा जी, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एन पी एम रन डेव। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ कि भाई हैकाथॉन में जो है ना, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, वो चीज़ ये है, सबसे पहली बात कि आपके पास ना बॉयलर प्लेट रेडी होना चाहिए। भाई देखो, लॉगिन साइनअप ये जो है, अभी मैंने तीन ऐप शिफ्ट की है ना इसी एक बॉयलर प्लेट पर। शुरू में ये क्या थी, ये ऐप शुरू में, ये लॉगिन साइनअप जब बना रहे थे, ये ऐप क्या थी, ये करंट एप्लीकेशन थी, ठीक है। फिर उस पर पी डब्ल्यू ए भी हमने देख लिया था उसी करंट पे रहते हुए। फिर उसके बाद मैंने क्या ट्रांसफॉर्म किया, फिर मैंने इस ऐप को ट्रांसफॉर्म कर दिया एंटायरली एक ट्विटर ऐप में, उस करंट ऐप को हटा के ट्विटर ऐप बना दिया उसको मैंने। फिर वो ट्विटर ऐप में हमने कुछ चीज़ें सीखी, फीड वगैरह सीखा, प्रोफाइल सीखा हमने, ऑथ गार्ड वगैरह उसमें शायद हमने सीखा था। फिर सॉकेट आयो की जब बारी आई, तो मैंने क्या किया, उसी ट्विटर ऐप का वो कंपोनेंट हटा के उसको मैंने चैट ऐप बना दिया, बन गया। ये कंपोनेंट तो अपनी जगह है ना, फॉरगेट पासवर्ड, लॉग इन, साइन अप, ये कंपोनेंट तो अपनी जगह है। और इवन दो कि हमने साइन अप के अंदर जो ये वो किया हुआ था, साइन अप के अंदर हमने नेम लिया था, जो वो आप देख रहे हैं वो अभी तक हमारे साथ साथ घूम रहे हैं। वो कि फर्स्ट नेम में अगर मैं नाम लिखता हूँ इंजमाम मलिक, तो वो फर्स्ट नेम भी इंजमाम मलिक, लास्ट नेम भी इंजमाम मलिक, अभी तक वो घूम रहा है, सही है। बाकी कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये बॉयलर प्लेट है, तो बॉयलर प्लेट आपके पास बना हुआ होना चाहिए रिएक्ट का भी, ठीक है। सर्वर के साथ एक रिपोजिटरी बनी हुई हो, साइक्लिक से कनेक्टेड हो, डेटाबेस सेट हो, समझ रहे हो ना, डेटाबेस सेट हो, साइक्लिक पे चला हो, यूआरएल वगैरह सब बना हुआ उसका, और आपने बस उसको क्लोन करना है, एडिट करना है, वापस पुश करें तो सब कुछ पहले से हुआ हो। लॉग इन साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड, ये तो होगा ही ना, हर ऐप में होगा ये तो, इससे तो जान नहीं छुड़ा सकते आप। डैशबोर्ड भी दो तीन तरह के आपके बने हुए हों, चलो डैशबोर्ड ना बनाओ, इतना भी बना लो ना अगर, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। डेटाबेस के अंदर यूज़र का स्कीमा बना हो, मैसेजेस का स्कीमा बना हो, जो भी हमने आज मैसेजेस का स्कीमा बनाया ना डब्ल्यू लास्ट क्लास में, जो इस ऐप में बना हुआ है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैसेज का स्कीमा है ये आपका बना हो सकता है मैसेजिंग की ऐप आ जाए। जो करंट है उसका स्कीमा बना हो, कि प्रोडक्ट का स्कीमा, तो कुछ भी आ जाए, आपने जस्ट उसकी एपीआई लिखनी है, फ्रंट एंड पे आपने वो डब्बे बनाने हैं, दैट्स इट, हो गया काम। इसी तरीके से आपके पास जो रिएक्ट नेटिव है उसका भी बॉयलर प्लेट बना हो। उसमें बॉयलर प्लेट में क्या होगा, लॉग इन साइन अप भी यही पेजेस होंगे उसमें, ठीक है। प्रोफाइल का एक पेज बना लो उसमें, जैसे इसमें हमने देखो प्रोफाइल बनाया हुआ है। अब इस प्रोफाइल में जो मर्ज़ी नीचे मैं ऐड कर दूँ, प्रोफाइल तो बनी हुई है मेरी, JWT वगैरह का जो सेटअप है वो सब बना हो, लॉग इन लॉग आउट, सही है। पीछे APIs वही है, जो APIs तो दोनों की सेम होती है, डेटाबेस तो सेम होता है। तो अगर इतना तुमने किया हुआ अगर, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई भी बड़ी से बड़ी ऐप भी आपको मिल जाए तो वो ईजिली हो जाएगी आपसे, आप करके बैठे हुए होंगे 4-5 घंटे में, अनटिल अनलेस कि आप कोई फंस ही ना जाए कहीं, किसी लॉजिक में फंस ना जाए, उसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम तो इसी में खाता है ना, ये पेजेस बनाओ, राउटिंग करो, राउट गार्ड्स जो है वो लगाओ, कि भाई इस डायरेक्ट पे क्या हो, ऐसे क्या हो, फाइल को होस्ट करो ना, सारा टाइम तो इसमें लगता है आपका, ये पहले से करके रख लो। ये तो आपको नहीं बोलेगा ना कोई, यार ये नहीं कर सकता, बॉयलर प्लेट तो कोई मना नहीं करता, सही है। तो ये आपने करके रखना है। नहीं, बैकएंड तो होगा ही एक ना, बैकएंड तो एक होगा ना, एक सर्वर बनता है, फ्रंट एंड भी उसी से बात करता है, और
आपका जो वेब का फ्रंट एंड है वो भी उसी से बात करता है और मोबाइल ऐप भी उसी से बात करती है। भाई प्रोफाइल गेट होगा ना तो स्लैश प्रोफाइल दोनों जगह से एक ही कॉल होगा, सही है, अलग अलग थोड़ी होगा, समझ लो ना। तो एक रिपोजिटरी आपकी बनेगी रिएक्ट नेटिव की, दूसरी रिपोजिटरी आपकी बनेगी फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन की, ठीक है। फुल स्टैक में रिएक्ट अलग होगा और एक्सप्रेस अलग होगा, तो दो टोटल रिपोजिटरी बनेंगी। क्या कहते हैं, फुल स्टैक अगर हम करेंगे ना, मोबाइल और वेब दोनों को कवर करें, रिएक्ट नेटिव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो ये दो रिपोजिटरी बनेंगी आपकी, ठीक है। और मोबाइल ऐप क्योंकि कहीं होस्ट वगैरह तो होती नहीं है, वो आपके पास कंपाइल होकर सामने ही दिख रही होती है, दैट्स इट। मोबाइल के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि कहाँ आप इसको सेव करवा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल के अंदर आप लोकल स्टोरेज में भी सेव करवा सकते हैं, एक मोबाइल का लोकल स्टोरेज, ये वो वाला लोकल स्टोरेज नहीं है, मोबाइल वाला। ऐप के अंदर एक स्टोरेज आपको मिलता है अलग, जिसको ऐप स्टोरेज कहते हैं कार्बन, वहाँ करवा सकते हैं आप। कुकीज़ में भी करवा सकते हैं क्योंकि कुकीज़ तो होती हैं उसके अंदर भी, हाँ कुकीज़ में भी सेव करवा सकते हैं। उसके अलावा एक ग्राफ वेब क्यूएल करके भी एक चीज़ होती है शायद, जो रिएक्ट नेटिव में आपको मिल रही होती है। एसक्यूएल लाइट भी आपको मिल रहा होता है, एसक्यूएल लाइट भी आपको जब ऐप इंस्टॉल होती है ना उसमें एसक्यूएल लाइट मिलता है आपको, छोटा सा डेटाबेस होता है वो ऐप के अंदर ही रहता है, वो कहीं और नहीं जाता, तो वो भी सिक्योर है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं मोबाइल ऐप की जब हम बात करते हैं, तो वो आप जब करेंगे ना, ये पहले बेसिक चीज़ें कवर करेंगे आप, तो आपको वो खुद ही पता चल जाएगा। वेल जहाँ तक हैकाथॉन की बात है कि उसमें तो आप कहीं पर भी स्टोर कर दें, वो तो इतना इशू नहीं है, लेकिन हम असल में वो चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन में जब ऐप जाएगी तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो बहुत फ्यूचर की बात को भी हमने अभी काउंटर किया हुआ है इस केस में, ठीक है। अदरवाइज़ अभी तो मैं इसको, ज़रूरी नहीं है मैं HTTPS कुकीज़ में करवाऊँ राइट नाउ तो मैं किसी में भी करवा दूँ चलेगा, ठीक है। लोकल स्टोरेज में कितनी प्रोडक्शन की ऐप्स में देखता हूँ लोकल स्टोरेज में उन्होंने टोकन सेव किया हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्योंकि हम डेवलपर हमें दिख जाता है, आमतौर पर लोगों को नहीं दिखता, समटाइम मैं जाता हूँ क्लियर करने, या मैं जब, क्योंकि मैं जब हिस्ट्री क्लियर करता हूँ ना तो कुकीज़ क्लियर नहीं करता, कुकीज़ को छोड़ देता हूँ और दूसरे स्टोरेज क्लियर करता हूँ, तो उससे क्या होता है लोकल स्टोरेज उड़ जाता है, कुकीज़ रह जाती है, तो कुछ ऐप्स जो है वो लॉग आउट हो जाती है। तो जो ऐप लॉग आउट हो गई इसका मतलब क्या है, उसने कुकी में नहीं किया हुआ, कहीं और किया हुआ। अब वो तो ढूंढने में टाइम थोड़ी लगेगा कहाँ किया हुआ, ठीक है। तो किया हुआ इस तरह से लोगों ने लोकल स्टोरेज, बाय द वे कुछ अरसे पहले तक ना लोकल स्टोरेज को सिक्योर समझा जाता था, वो अब जाके लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि नहीं यार लोकल स्टोरेज में तो अगर CDN का नेटवर्क हैक हो गया तो लोकल स्टोरेज भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। वो एक लंबी स्टोरी है कि ये कैसे होगा, बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी लोकल स्टोरेज की खैर होगी, कोई मसला नहीं है। मे बी उन्होंने कोई CDN ही इस्तेमाल ना किया हो, अगर तो कोई CDN इस्तेमाल नहीं किया आपने तो फिर तो लोकल स्टोरेज सिक्योर है ना, फिर तो कोई मसला नहीं है उसका, ठीक है। तो HTTPS कुकीज़ बाय द वे सब लोग इसी पे अभी हैं, मुत्तफिक हैं सब लोग। अच्छा यार इसको हमने कहाँ पे साइक्लिक पे किया था ना होस्ट, देखते हैं ज़रा साइक्लिक की क्या रिपोर्ट है, चल रहा है अभी तक के बंद हो गया। अच्छा मुझे अभी याद आया, मैंने एक अकाउंट रखा था, बाकी सारे अकाउंट मैंने उड़ा दिए थे उसमें, ठीक है। तो ये तो वो अकाउंट नहीं है, कौन सा वाला रखा था मैंने, मलिक एड ABC ये रखा था, नहीं यार यहाँ पे जिससे मैं लॉगिन हुआ ना वो रखा हुआ था, मलिक एड सिसबॉर रखा हुआ था मैंने, बाकियों को उड़ा दिया था। याद नहीं है मुझे क्या है, अबे यार क्या पासवर्ड है, ये पासवर्ड तो नहीं, यहाँ से आके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ ना, फॉरगेट में बहुत टाइम लगेगा।
5656 है इसका पासवर्ड ना। चलिए भाई, अच्छा भाई करो भाई लॉगिन करो। तुम में से कौन कर रहा था लास्ट, कौन किसके साथ कर रहा था? मैं हारूँ। करो यार लॉगिन करो, चैट ऐप आयो डॉट साइक्लिंग डॉट ऐप। क्या था तुम्हारा? अवेस एट द रेट जीमेल, अनस एट जीमेल था तुम्हारा। अच्छा सही है, काफ़ी सारी हमारी कन्वर्जेशन हुई भी थी। अच्छा थोड़ी सी इसमें स्टाइलिंग हमें शायद अब करनी ही चाहिए, है ना? थोड़ी सी हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी इसमें। हाँ यार थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं इसको, अपसाइड डाउन नहीं करते, एटलीस्ट इसको हम ये कर लेते हैं कि एक इस तरफ दिखे एक उस तरफ दिखे। अच्छा जी अच्छा जी, अब ये स्टाइलिंग करने के लिए अगर हम आ जाते हैं, कौन सा वो कंपोनेंट था यार, वो तो भूल गया मैं, चैट स्क्रीन डॉट जे एस एक्स था ना, ठीक है। तो मैं चैट स्क्रीन डॉट वो बना लेता हूँ, चैट स्क्रीन डॉट सी एस एस बना लेता हूँ, एक चैट स्क्रीन डॉट सी एस एस, और चैट स्क्रीन डॉट सी एस एस में आके अब मैं क्लासेस यहाँ पे बनाना शुरू करूँगा। अच्छा ज़रा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि इस चैट स्क्रीन पे हमने क्या कुछ कर लिया है अभी तक। सबसे पहले तो क्या होता है, बंदा होम पे होता है जब, और होम पे रहते हुए वो किसी एक यूज़र पे क्लिक करता है, तो क्या होता है कि स्लैश चैट और स्लैश उसकी आईडी आ जाती है यूआरएल में, ठीक है। ये हमने राउटिंग राउटर के जरिए किया था, जो हमारा रिएक्ट डॉम राउटर है, तो उससे हमने ये किया था। और इस कंपोनेंट पे आके मैं इस आईडी को रिट्रीव कर लेता हूँ, ठीक है। ये आईडी मुझे मिल जाती है, और ये आईडी मैं किस में स्टोर कर लेता हूँ, ऐसे करके आईडी करके यूज़ पैराम्स से मुझे ये मिल जाता है। आईडी मेरे पास आ गई, उसके अलावा मैंने ग्लोबल जो कॉन्टेक्स्ट है मेरा उसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लिया, ताकि मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से चीज़ें उठा सकूँ यहाँ पे। अच्छा तीन अदद स्टेट है, एक राइट मैसेज है जो कि मैसेज का बॉक्स है मेरा, एक कन्वर्जेशन है जो कि तमाम कन्वर्जेशन जो हो रही है इस वक्त वो है वो, ठीक है। जो शुरू में जब पेज लोड होता है तो सर्वर से तमाम पिछली कन्वर्जेशन उठ के आती है वो यहाँ स्टोर हो जाती है। और तीसरा है रेसिपिएंट प्रोफाइल, रेसिपिएंट प्रोफाइल मैं इसलिए मंगवा रहा हूँ क्योंकि मुझे रेसिपिएंट का नाम डिस्प्ले करवाना है जो मैसेजेस के साथ, और मे बी प्रोफाइल पिक्चर भी डिस्प्ले करवानी पड़ सकती है, ठीक है। और उसके अलावा जब मैं मैसेज भेजूंगा यहाँ से तो मुझे उस रेसिपिएंट की आईडी साथ में भेजनी होगी कि मैं इस बंदे को ये मैसेज भेज रहा हूँ, तो इसलिए मुझे रेसिपिएंट की चीज़ें ये यहाँ पे चाहिए, इसलिए प्रोफाइल हमने मंगवाई हुई है। अच्छा यूज़ इफेक्ट हमने एक बनाया है, उसमें हमने गेट रेसिपिएंट प्रोफाइल कर लिया, एक हो गया, ठीक है। दूसरा हमने कह दिया कि भाई गेट ऑल मैसेजेस, ये कन्वर्जेशन में ला के इसको हमने स्टोर करवा दिया मैसेज को गेट करके, ठीक है जी, कन्वर्जेशन में हो गया। अच्छा अब हमारे पास एक सेंड मैसेज का जो है एक फंक्शन है, ये क्या होता है जब ये फंक्शन हिट होता है तो हम एक सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं पोस्ट की और स्लैश मैसेज, और साथ में भेजते हैं कि किसको भेज रहा हूँ, रेसिपिएंट की आईडी ऑब्वियसली, और साथ में वो टेक्स्ट मैसेज जो मैं भेजना चाह रहा हूँ। अच्छा उसके बाद यहाँ पे मैसेज आके मेरे पास ये मेरा एक्चुअली जे एस एक्स शुरू हो गया, ये मेरा फॉर्म है जहाँ पर मैसेज लिखता हूँ मैं। टॉप पर मैंने लगा दिया कि भाई चैट विद किससे चैट हो रही है, ठीक है, और रेसिपिएंट का ईमेल भी साथ में लिख दिया कि चैट विद दिस, इस बंदे के साथ चैट हो रही है, ठीक है। मेरा खुद का जो नाम है वो टॉप पे यहाँ लिखा हुआ आता रहता है, ये मैंने ऐप डॉट जे एस से ही सेटिंग सेट की हुई है कि ये टॉप पे हर वक्त लिखा हुआ आता रहे। उसके बाद ये वो जगह है जहाँ पे कन्वर्जेशन क्या हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। ये कन्वर्जेशन डिस्प्ले यहाँ पे इस जगह पे हो रही है। अच्छा यहाँ पर मैंने जो डिव है मेरा, ठीक है, इस डिव को इक्वल रखा हुआ है मैंने, चाहे ईच मैसेज में कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि ईच मैसेज में अगर मेरी आईडी हो कि मैंने ये मैसेज भेजा हुआ है, या मेरी आईडी नहीं हो किसी और की हो, तो उस बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर क्लास लगा सकता हूँ। तो ये काम कर लेते हैं जल्दी से हम ये काम करने के लिए ज़रा इसको मैं मल्टी लाइन में कर दूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो कोड को,
ठीक है, ये मैंने इसको ज़रा मल्टी लाइन में कर दिया। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक अदर टर्नरी ऑपरेटर लगाऊँगा, किसके अंदर, क्लास के अंदर। मैं कहूँगा क्लास नेम इक्वल्स टू ऐसे ये वाला, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ईच मैसेज, टर्नरी ऑपरेटर ऑब्वियसली यहाँ पे लगाऊँगा मैं, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है अल्टीमेटली, तो एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाने के लिए मैं एक टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई कंडीशन ट्रू हो तो एक स्ट्रिंग रिटर्न करो और अदरवाइज जो है दूसरा स्ट्रिंग रिटर्न करो। अच्छा पहला स्ट्रिंग क्या होगा कि मी, या क्या नाम रखा जाए क्लास का, माई मैसेज, ठीक है, और रेसिपिएंट मैसेज, सही है। एक तो हमने मैसेज बलून के नाम से क्लास बनानी है जिसमें वो बलून का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ज़ाहिर है दोनों में सेम है, बस ये एक क्लास की बेसिस पे क्या होगा, एक इधर चला जाएगा एक उधर चला जाएगा, हमने जैसे उसको फ्लैक्स को, फ्लैक्स की प्रॉपर्टी को ना अलाइन सेल्फ को राइट और लेफ्ट करना है तो वो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कंडीशन अब मैं क्या लगाऊंगा, मैं कहूँगा ईच मैसेज डॉट अंडर स्कोर, क्या था, क्या मिलता है मुझे यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा क्या मिलता है। अरे ये तो पागल ही हो गया, एक मिनट यहाँ पे हम ट्रू लगवा देते हैं फिलहाल के लिए ना, ताकि कोड ब्रेक ना हो, सही है जी। अच्छा ये मेरे पास जो ईच मैसेज आता है इसमें मुझे क्या क्या मिलता है, फ्रॉम डॉट अंडर स्कोर आई डी और टू डॉट अंडर स्कोर आई डी, दो मुझे आई डीज मिलती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई ईच मैसेज डॉट फ्रॉम डॉट अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स इक्वल्स अगर है मेरी आई डी के, सही है। और मेरी आई डी मुझे कैसे पता चलती है, स्टेट से पता चलती है, ठीक है। स्टेट डॉट क्या था मेरे पास, नहीं यहाँ पर मैं भेज सेंड मैसेज में ये भेज रहा हूँ ना अपनी आईडी, अच्छा नहीं अपनी आईडी थोड़ी भेज रहा हूँ मैं सेंड में। अच्छा एक काम करते हैं रेसिपिएंट की आईडी से मैच कर लेते हैं क्योंकि वो मुझे बहुत इजीली मिल रही है, ठीक है, रेसिपिएंट की आईडी से मैच कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई अगर आईडी के इक्वल हो जाए, ठीक है, ये मुझे आईडी एक ग्लोबल ऊपर मैंने पकड़ा हुआ है तो ये रेसिपिएंट की आईडी अगर है, ठीक है, तो फिर इस केस में मैं बोलूँगा भाई ये रेसिपिएंट की आईडी है, ठीक है। मैंने कहा भाई इक्वल टू अगर हो जाएगी इस बंदे की इस आईडी के तो इसका मतलब है रेसिपिएंट का मैसेज है, आर ई ए सी आई रेसिपिएंट मैसेज, ठीक है। अब मेरे पास देखो दो अदद की क्लासेस आ चुकी हैं, अच्छा एक तो ये हो गया, ठीक है, साथ में मुझे इसको एक क्लास और भी देनी है जो कि क्या होगा मैसेज, सही है, मैसेज भी मुझे साथ में देना है और ऐसे करके इस पर ज़ाहिर है फिर मुझे प्लस लगाना होगा, या दूसरा तरीका मैं ये करूँगा कि ES6 का इसको टेम्पलेट बना लूँगा मैं, ठीक है, ES6 का टेम्पलेट बना लेता हूँ इसको मैं, उससे भी मेरा मसला हल हो जाएगा। अरे क्या हो गया इसको, ES6 का मैंने इसको क्या बना दिया, टेम्पलेट बना दिया, बाहर कर दिया मैंने उसको, सही है। इसको ज़रा और भी मल्टी लाइन में करना पड़ेगा हमें। अच्छा अब ये की का जो एट्रीब्यूट था ये मुझे इसमें देना होगा, सही है, अरे यार इसको नहीं दे सकता, ऐसे कर लेते हैं, सही है। अच्छा तो क्लास नेम में मैंने क्या बता दिया, मैंने कहा कि भाई मैसेज होगा और उसके बाद टेम्पलेट करके मैंने क्या दे दिया इसको, एक टर्नरी ऑपरेटर दे दिया, ठीक है। ये सबको समझ आ रहा है ना मैंने क्या किया, ये मैंने कंडीशनल एक क्लास इसको दी है डिपेंडिंग ऑन दिस। अच्छा एक काम मैं और भी कर सकता था कि बजाय मैं जो है इसको यहाँ पे लगाने की कंडीशन, ये मैं ऊपर लगा लेता टॉप पे, इस कंडीशन को पूरे को मैं ऐसे कट कर देता ऐसे करके, और मैं क्या करता इस जगह पे कांस्टेंट बना लूं छोटा सा, सही है, क्लास नेम इक्वल्स टू करके ऐसे कर लूं। मैंने कहा भाई ईच मैसेज डॉट फ्रॉम, ये मतलब लॉजिक को मैंने सेपरेट कर लिया, तो ऐसे भी करना सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। और यहाँ पे आके मैं क्लास नेम बता दूँ,
ठीक है। मैंने कहा भाई फ्रॉम डॉट इक्वल टू है तो रेसिपिएंट मैसेज, अदरवाइज माई मैसेज। अच्छा जी, तो अब मेरे पास क्या होगा, एक अदर मैसेज की क्लास होगी, एक अदर डॉट रेसिपिएंट मैसेज होगा, और एक अदर डॉट माई मैसेज होगा। ये तीन क्लासेस है मेरी, इन तीन क्लासेस में रहते हुए मैंने जो भी अब करना है वो करना है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं मैसेज को जो है ना एक दे देता हूँ बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक, ताकि मुझे पता चले कि ये मैसेज की जो बॉडी है ना वो एक्चुअली कहाँ तक है। अच्छा, ये मैंने इसको इम्पोर्ट नहीं किया, इम्पोर्ट कर लेते हैं यार। क्या था नाम इसका, ठीक है जी। तो ये मेरे पास ना एक अदद मैसेज है जहाँ पे ये बॉर्डर्स बने हुए आ गए इस मैसेज के ऊपर, तो ये मेरा एक अदद मैसेज है, ठीक हो गया। और इसके अंदर अभी क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको H2 रखा है तो ये बहुत ज़्यादा मार्जिन वगैरह ये कैप्चर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये डेट है मेरे पास, उसके बाद ये एक्चुअल मैसेज है। अच्छा, हम ज़रा इंस्पिरेशन ले लेते हैं ज़रा मैसेज स्क्रीन के कोई खोल के, कि यार आम तौर पे जो मैसेजेस की जो स्क्रीन है वो कैसी है, वो कुछ इस तरह की बना रहे हैं लोग आजकल, सही है, काइंड ऑफ इस तरह की बन रही है मैसेज की स्क्रीन। लिखा हुआ इसमें नहीं आ रहा मैसेज में किसी में, मुझे नाम के साथ चाहिए ना। अच्छा, तो काइंड ऑफ इस तरह से लोग बना रहे हैं मैसेज को, ठीक है। आमतौर पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड पे जो सामने से आने वाले मैसेजेस हैं वो लेफ्ट हैंड पे, और मेरे जो जाने वाले मैसेजेस हैं वो राइट हैंड पे, ठीक है। तो ये मैंने इंस्पिरेशन ले ली एक सिंपल सी, किसी भी आप ऐप से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि क्या डिज़ाइन का जो फंडा चला रहे हैं लोग। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इस H2 को आके ना कुछ दूसरा एलिमेंट बना देता हूँ, क्योंकि मैं एक तो सर्च इंजन में इसकी स्केलिंग थोड़ी कम रखना चाहूँगा ऑब्वियसली, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं एक डिव बना देता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे जो मूवमेंट लिखा हुआ है इसको भी मैं एक डिव बना देता हूँ, और लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसको भी मैं एक डिव बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पैराग्राफ आफ्टर ऑल, ठीक है। तो ये अब कुछ इस तरह से दिखने लग गया है मुझे। अब मैं इसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छे से शायद कर पाऊँगा, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें न्यूट्रल हो गई हैं, अब मैं इसको अपने हिसाब से कंट्रोल करूँगा। अच्छा, तो इन तीनों को कुछ ना कुछ मुझे नाम भी देना पड़ेगा ताकि मैं इस पर स्टाइलिंग कर पाऊँ। तो मैं कहूँगा क्लास नेम, और जो मैसेज के अंदर जो है जो नाम है बंदे का, तो इसको मैं कह देता हूँ कि नेम, ठीक है, नेम यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद टाइम लिख दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया टेक्स्ट, ठीक है। तो अब मैं मैसेज डॉट टेक्स्ट, मैसेज डॉट नेम करके इस पर बहुत ईजिली स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मैसेज डॉट नेम जो है ना वो क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए, क्या टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड है, नहीं वेट है ना, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए, ठीक है। इसके नाम को मैंने बोल्ड करवा दिया। जो आपका जो ये जो टाइम लिखा हुआ है इसको मैं नाम के शायद फ्रंट पे लाना चाहूँगा, इसको मैं नाम के फ्रंट पे अगर लाना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये नाम लिखा हुआ है ना बस यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डे अगो, उसके बाद मैसेज आ जाए डायरेक्ट। इन दोनों को एक डिव में भी डाल सकता हूँ, डिव में डाल के फ्लेक्स पे ला सकता हूँ मैं। दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि इन दोनों को अगर मैं इन लाइन कर दूँ
तो भी ये सामने सामने आ जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन बेहतर ये कि शायद मैं इन दोनों को एक डिव में डाल दूँ। सही है, इन दोनों को मैंने एक डिव में डाल दिया, और इस डिव को भी जाहिर है मुझे कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ हेड, ठीक है, कि मैसेज का ये एक हेडर है, ऊपर हेड की पट्टी है, तो मैं हेड दे देता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि डॉट मैसेज डॉट हेड जो है वो डिस्प्ले हो जाए फ्लैक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों एक लाइन में आ गए सीधे सीधे हो गए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मुझे इसको जो है वो देना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट करने से, तो शायद ये क्योंकि वो पूरी पट्टी होती है ना फ्लैक्स की, तो वो पूरे पे यूं फैल जाएगा, तो जस्टिफाई कंटेंट मैं इसको नहीं दे सकता। क्या दूंगा, गेम, क्या गैप, नहीं जस्टिफाई गैप होता है, सिर्फ गैप, अच्छा सिर्फ गैप होता है, मुझे नहीं पता ये। हाँ गैप ले लिया, लेकिन उस तरफ से नहीं लिया ना उसने, वेल अभी उस तरफ से भी ले लेगा वो, तो पूरा ही हम उसको मूव करने वाले हैं अभी। अच्छा जी, अब ये जो साथ में इसके मैसेज लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये सही लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये नाम और ये टेक्स्ट, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा पैडिंग आ जाए इसके अंदर। तो ये काम मैं कैसे करूँगा, ये काम मैं करूँगा जो मेन मैसेज की बॉडी है ना इस पर लगाऊँगा मैं पैडिंग, और मैंने कहा कि 10 पिक्सल, ठीक है, ये 10 पिक्सल पैडिंग हो गई। अच्छा, उसके बाद जो मेन मैसेज का बॉक्स है उस पर लगाऊँगा मैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है, 15 पिक्सल, ठीक है। तो ये दोनों साइडों से गोल हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसका जो साइज़ है मैक्सिमम साइज़ वो मैं सेट करूँगा, क्योंकि अभी तो ये पूरा पूरी विड्थ ले लेता है, तो मैं इसका जो मैक्सिमम साइज़ सेट कर देता हूँ यहाँ पे विड्थ, मैंने कहा कि भाई 30 em, सही है, 30 em पे मैंने इसका साइज़ सेट कर दिया। अच्छा, ये em क्या चीज़ होती है आप सब लोगों को पता होगा, सही है, और rem क्या चीज़ है ये भी पता है, सही है। तो rem मेरा ख्याल देते हैं वो, क्योंकि आजकल ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। इसको मैंने अभी 30 em दिया ना, देखो ये 30 पे फिक्स हो गया, मुझे 30 पे फिक्स नहीं करना है इसको, तो अब मैं मैक्सिमम मिनिमम दूंगा जी। em जो है वो साइज़ होता है m का, ठीक है, और rem भी साइज़ होता है m का, 1 rem और 1 em इज इक्वल टू कि जितना बड़ा m है उसका साइज़, ठीक है। अच्छा, rem जो होता है वो क्या देखता है, बॉडी के साइज़ से रिलेटिव करता है, और em जो है वो क्या करता है, अपने पेरेंट के साइज से रिलेट करता है। ये HTML की जो बुक हमने पढ़ी थी उसके अंदर फॉन्ट्स जहाँ पे डिस्कस हो रहे थे वहाँ पे ये बहुत अच्छे से स्केल पूरा बना के ना, टाइपोग्राफी स्केल पूरा बना के डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पे आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, 40 em का मतलब है कि इतना बड़ा जितने में 40 em आ जाए। आप 40 em लिखेंगे ना सीधे सीधे टेक्स्ट के अंदर, तो ये आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अगर फॉन्ट का साइज़ किसी भी वजह से इंक्रीज़ होता है तो ये भी इंक्रीज़ होगा साथ साथ, यानी ये 40 em जितना अपने आप को ये कंटेन करके रखेगा, ठीक है, 40 em का जो जो विड्थ जो भी बनती है उस पर ये मेंटेन करके रखेगा अपने आप को, ठीक है। तो मैंने ये मैक्सिमम में देना था इसको, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैक्स विड्थ, ठीक है, और मैं फिर इसको एक मिन विड्थ भी दूँगा ताकि उसके दरमियान में ये रिस्पॉन्स करता रहे। मिनिमम विड्थ मैंने इसको दे दिया कि भाई आप 13 em से rem से नीचे नहीं होगा, सही है। तो आप देखेंगे क्या होगा, जब साइज़ छोटा होगा ना तो ये साथ साथ छोटा होगा, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आके ये बोलेगा कि बस अब और छोटा नहीं होगा मैं, सही है। अच्छा, अब ये बलून बहुत आपस में चिपके हुए हैं, इसको मुझे थोड़ा सा मार्जिन भी देना है, मैंने कहा मार्जिन दे दो 5 पिक्सल का, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े आपस में दूर हो गए बलून। अच्छा, फिर अब ये आ जाता है रेसिपिएंट मैसेज वाला, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इस तरफ है, जो रेसिपिएंट मैसेज इधर होते हैं उधर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे माई मैसेज को चेंज करना है, माई मैसेज को मुझे राइट साइड पे लेके जाना है, तो मैं बोलूँगा अलाइन सेल्फ इस वाले को, और मैं बोलूँगा फ्लैक्स एंड, ठीक है। तो क्या ये सही होगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसका फ्लैक्स की डायरेक्शन को चेंज किया है, इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं अभी इसको क्या बोलूँगा, तो ये होगा,
नहीं इसको मैं बोलूँगा शायद टॉप बोलूँगा तो फिर हो जाना चाहिए ना। तो एक मिनट यहीं से आके चेक कर लेते हैं, मुझे भी इतना याद नहीं रहता। अच्छा तो ये रेसिपिएंट मैसेज, रेसिपिएंट मैसेज ये माई मैसेज हो गया ना। अच्छा माई मैसेज पे आके मैंने बोला अलाइन, नहीं अलाइन तो लगेगा ही नहीं ना। हाँ यार अलाइन तो क्या कहते हैं, एक मिनट यार आ जाते हैं ना उस पर देख लेते हैं दोबारा से। अच्छा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो ये डायरेक्शन ये थी, वो तो पूरा ये इसी पे डायरेक्शन पे लगा हुआ है। अच्छा अब मुझे इस डायरेक्शन पे जिससे ऊपर नीचे होता था उससे अब लेफ़्ट राइट होगा। अच्छा करना मुझे एक आइटम को है तो मैं इस तरफ वाले देखूँगा, कंटेनर पे नहीं लगाना मुझे, आइटम पे लगाना है। तो अब इस तरफ मुझे आके देखना है कि टॉप बॉटम कैसे कर सकता हूँ मैं किसी एक एलिमेंट को। अलाइन सेल्फ ही तो है यार, फ्लैक्स एंड यार लगना चाहिए अलाइन सेल्फ है ना, अलाइन सेल्फ लगना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ। अरे ये तो मैं दूसरे पे आ गया, अलाइन सेल्फ क्यों नहीं लग रहा यार, उसमें इसका डायरेक्ट पेरेंट जो है वो फ्लैक्स बॉक्स है ना, इसका डायरेक्ट पेरेंट कौन है। अरे इसका तो पेरेंट ही नहीं है कोई, जब ही तो नहीं लग रहा इसका कोई पेरेंट नहीं है, इसका पेरेंट इस कोई नहीं है तो ये डिव है इसका मतलब है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसको एक पेरेंट देना पड़ेगा, इसको एक माँ चाहिए इसको एक माँ देनी पड़ेगी हमें। अच्छा सही है, तो यहाँ पे आ गया ना, इसको एक पेरेंट देना पड़ेगा मुझे जिसको मैं बता सकूँ कि हाँ भाई ये जो है ना आप ऐसे हो गया ना। सही है, सही हो गया ये, इसको मैंने एक पेरेंट दे दिया और इसको जाहिर है एक क्लास नेम मैं दूंगा और इसको क्लास नेम देके मैं बोलूँगा कि आप क्या हो, मैसेज व्यू होगा। सही है, ये मैसेज व्यू मैंने कह दिया इसको, और तो मैसेज से भी पहले क्या होगा, मैसेज व्यू होगा। सही है, और मैंने क्या दिया इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब क्योंकि इसका पेरेंट मिल गया इसको तो अब ये काम करना शुरू कर देगा ऑब्वियसली। अच्छा कॉलम भी तो करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। हाँ अब ये सेट हो गया, अब इसको मैं देता हूँ यहाँ पे अलाइन फ्लेक्स एंड। हाँ तो ये सेट हो गया बिल्कुल, सही है। मेरे मैसेज जो सारे थे वो एक तरफ हो गए और दूसरे मैसेज जो थे वो एक तरफ हो गए, ठीक है। ये एक मसला हुआ है कि एक का बॉक्स जो है वो बड़ा हो गया है और एक का बॉक्स जो है वो छोटा हो गया, और छोटा वो इस वजह से हुआ है, छोटा वो इस वजह से हुआ है कि मैंने फ्लैक्स एंड कर दिया है तो उस तरफ जगह है ही नहीं कि वो बढ़े, और तो इसके लिए हमें ना फ्लैक्स एंड नहीं करना पड़ेगा, इसको कोई दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसको बेस लाइन तक ले जाए जस्ट। ये तो सेंटर है ना, इसका कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। असल में बेस लाइन इस तरफ होती है, बेस लाइन तो हमें फ्लैक्स एंड पे जाके ना इसका कोई दूसरा, वेल खैर हो गई हमारा वाला मैसेज अगर छोटा भी हो जाए तो हम माइंड नहीं करेंगे। सही है, हाँ अच्छा मुझे इसमें कुछ चेंजेस और भी लग रही हैं, क्योंकि जैसे ये 5 डे अगो है ना ये इस तरफ होना चाहिए, नाम उस कॉर्नर पर होना चाहिए, 5 डे अगो इस तरफ होना चाहिए है ना, ये भी कुछ चेंजेस है। तो मे भी पूरा का पूरा कंपोनेंट ही मैं बजाए इसको यहाँ पे, जैसे मैंने कंडीशनल एक क्लास दी है ना जस्ट, मे भी ये मैं पूरा का पूरा डिव ही कंडीशनल बना दूँ, ठीक है। शायद ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि एक में मुझे नाम पहले देना पड़ रहा है, एक में मुझे नाम बाद में देना पड़ रहा है। वेल टू कीप इट सिंपल अभी हम इसको इसी तरह रखते हैं, ठीक है। ये CSS रिलेटेड इशूज़ हैं, हम सॉकेट IO की तरफ मूव करना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी। अच्छा अब एक लास्ट चीज़ रह गई है कि ये चारों साइड जो इसके गोल है ना, इसका एक साइड हम क्या कर देंगे, चबोर कर देंगे ताकि ये एक साइड से निकला हुआ बबल फील हो। तो ये काम हम कैसे करेंगे, जो मेरा जो बॉर्डर रेडियस है ना इसमें मैं 3 साइड दूंगा 15 पिक्सल,
और चौथी साइड में दे दूंगा 0 पिक्सल। सही है, तो देखो ये इस तरफ वाला कॉर्नर बन गया, वो वाला जो बनेगा उसमें मैं ये वाला 0 कर दूंगा। सही है, तो अभी ये कर देते हैं जब से जल्दी से चल के। तो ये जो मेरा हो गया, ये किसका हो गया, रेसिपिएंट मैसेज का हो गया। ये आ जाओ, रेसिपिएंट मैसेज के ऊपर जो है ना वो ये हो जाएगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा। ये कॉमन नहीं है प्रॉपर्टी, ये दोनों की अलग अलग है। सही है, तो ये दोनों में मैं अलग अलग दूंगा, और माय मैसेज के अंदर ये मैं आके दूंगा, इसको मैं 15 कर दूंगा और इसको मैं 0 कर दूंगा। ये पता है ना आपको, चार साइड जो है वो क्लॉक वाइज चार साइड चल रहा होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके बना दिया। अच्छा, मैं ऊपर वाला भी कर सकता था, नीचे वाला भी कर सकता था। अगर मुझे ऊपर वाले पे करना हो तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले को 0 कर दूंगा, बजाय जो मैंने ये जो थर्ड वाले को 0 किया है, मैं पहले वाले को 0 कर दूंगा, नहीं सॉरी पहले वाले को नहीं, दूसरे वाले को। सही है, तो वो 0 हो गया, ठीक है, इसको मैं 15 कर दूंगा। तो ये मुझे ऊपर से बबल निकलता हुआ फील होगा, अभी ये नीचे से निकलता हुआ फील हो रहा है। ये वाला सही है नहीं, अभी जो ये वाला, तो ये सही है, पहला वाला सही था ना। ये एक्चुअली हमारा इनपुट बॉक्स भी नीचे होगा, इनपुट बॉक्स तो अभी ऊपर है ना फिलहाल हमारा, अभी ये इनपुट बॉक्स भी एक्चुअली हमारा नीचे होगा। सही है, अच्छा जी, सही है, जो भी मैसेजेस जाएंगे हम इस तरह से जा रहे होंगे। अच्छा, बैकग्राउंड कलर इसका हम कुछ देख लेते हैं, कुछ अच्छा सा। सही है, हम कह देते हैं इसको आई मैसेज वाला इसको कलर देते हैं। सही है, आई मैसेज में जो वो जो मेरा मैसेज होता है वो ऐसे ऐसे कलर में जा रहा होता है, राइट, ऐसा ही है ना, कैसा है। सही है, अच्छा नहीं, आई मैसेज में ये सही है ग्रे है। तो मैं कहता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ से आके मैं कलर पिक करता हूँ, पिक कलर फ्रॉम पेज। तो ये माई मैसेज जो है वो ये वाला कलर है, ठीक है जी। तो माई मैसेज कहाँ गया, बैकग्राउंड कलर, और ये आ गया, ठीक है, कलर जो है वो वाइट हो गया। सही है, आ जाते हैं ज़रा देख लेते हैं, ये हो गया। अच्छा, बॉर्डर का कलर हमें उड़ाने हैं, अभी उड़ाने वाले हैं हम थोड़ी देर में ना। अच्छा, ये हो गया, और जो दूसरी वाली साइड का कलर है वो क्या है, वो ग्रे है। कलर तो वाइट है, उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमारे पास ये जो बॉर्डर था इसको अब हम हाइट कर देते हैं, ताकि अब हमारा जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी क्लीन हो जाए, ठीक हो गया। ये हमारी अब मैसेजेस की एक स्क्रीन तैयार हो गई है, और मेरा ख्याल है इतनी स्टाइलिंग काफ़ी है आज की ज़िंदगी के लिए। सही है, अच्छा, अब हमें अगला काम क्या करना है, चेरी ऑन द टॉप करना है। सही है, अच्छा, एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि जब मैं कोई मैसेज भेजूँ ना, तो मैं यहाँ पर से खुद ही से रिफ़्रेश कर लूँ, ठीक है। और जब मैं कोई मैसेज भेजूँगा तो ऑब्वियसली मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं भेज रहा हूँ ना, तो मैं फ्रंट एंड पे ख़ुद से भी अपडेट कर सकता हूँ, ज़रूरी भी नहीं है कि मैं इंटरनेट से पूरा उठा के लूँ, ठीक है। लेकिन वेल, जब मैं ये सेंड मैसेज करता हूँ तो मैं गेट मैसेजेस दोबारा कॉल कर लूँगा। सही है, ये गेट मैसेजेस में क्या करूँगा, यहाँ पर दोबारा से कॉल कर लूँगा। उसके लिए मुझे इस गेट मैसेज को यूज़ इफेक्ट से बाहर निकालना होगा, राइट, अदरवाइज वो मुझे मिलेगा नहीं। तो मैंने इसको यूज़ इफेक्ट से बाहर निकाल लिया, ताकि ये क्या हो जाए। सही हो गया जी, बल्कि उसको मैं टॉप पे कर देता हूँ। ये मैंने स्टेट के बाद ये कंपोनेंट के अंदर मौजूद फंक्शन कर दिया, इसको भी मैं बाहर कर देता हूँ। चलो भाई, दोनों फंक्शन बाहर हो जाओ, और ये दोनों पहली दफ़ा कॉल होने वाले, इन दोनों को मैं एक ही स्टेट में भी रखवा देता हूँ, एक ही यूज़ इफेक्ट में रखवा देता हूँ उसको,
दोनों को ही शुरू में गेट रेसिपिएंट प्रोफाइल गेट मैसेज एक ही में करना है, तो दो दो यूज इफेक्ट बनाने की भी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है। अब इससे ये होता है कि रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको मैं लोकल होस्ट पे। अब यहाँ से मैं ए बी सी लिख के एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे मैसेज से शो करने लग गया, लेकिन जब सामने से मेरे पास कोई मैसेज आएगा तो ये मुझे मैसेज नहीं रिसीव होगा यहाँ पे जब तक मैं इसको स्क्रीन को रिफ्रेश ना कर लूँ। ठीक है, अच्छा तो अब इसके लिए मुझे चाहिए सॉकेट। अच्छा, मेरी गिटहब में चलते हैं और यहाँ पे सॉकेट आयो से मुतालिक एक रिपॉजिटरी है, सही है। तो सबसे पहले हम आके देखते हैं कि सर्वर पे सॉकेट आयो कैसे सेटअप होता है। ठीक है, सर्वर पे सॉकेट आयो सेटअप करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना होगा सॉकेट आयो की लाइब्रेरी में से। ठीक है, सॉकेट आयो की वेबसाइट भी देख लेते हैं। ये सॉकेट आयो की वेबसाइट है ऑफिशियल, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं इसके, कैसे कैसे इंस्टॉल होता है, क्या होता है, सब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। कैसे सेटअप होता है इसका, वो भी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, बेसिक सेटअप। ठीक है, अबे इंस्टॉलेशन कहाँ बताया, ये रहा npm socket.io। तो इसको मैं आके क्या करता हूँ, अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम सर्वर देख रहे हैं, फिर हम फ्रंट एंड देखेंगे कि क्या चक्कर है फ्रंट एंड का। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि भाई आप क्या कर लोगे। अच्छा, इसने ना पुराने वाले जावास्क्रिप्ट का बताया हुआ है जो रिक्वायर वाला होता है, तो हम ना न्यू वाला कर रहे हैं, तो हम वो वाला सिंटैक्स करेंगे। न्यू में ये कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। सर्वर। अच्छा, फ्रंट एंड तो हमारा हो गया ना, चैट स्क्रीन डन, सही है। चैट स्क्रीन की यूआई हमारी ख़त्म हो गई है जो होनी थी। मैं सर्वर के ऊपर आ जाता हूँ टॉप पे, और सर्वर पे मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना इस server.mgs की फाइल में भी काफ़ी कुछ है अपना जो इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, यही वजह है कि ये APIs जो मेरी अभी भी यहाँ पे पड़ी हुई है ना, ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक API, दो API और ये तीन API, ये API बल्कि चौथी भी एक और भी है, ये चार API अल्टीमेटली यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसको मैं किसी ना किसी फोल्डर में ट्रांसफ़र करूँगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये गेट यूज़र करके भी दो बनी हुई है, जो ये सब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होने वाला जो काम है ना वो ये है, सही है, वो ये है, नीचे जो ये सब लगा हुआ है। ठीक है, ये जो लेसन वेसन के काम हुए हैं, सही है, ये सारे काम ना इस फाइल में होने वाले हैं, और प्लस अब ये सॉकेट का भी सर्वर सेटअप होगा। अच्छा, एक चीज़ ये समझ लें कि सॉकेट का जो सर्वर है वो एक अलहदा सर्वर है, सही है, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए बहुत अच्छे से, अदरवाइज कॉन्सेप्ट में लैग हो जाएगा आपके। हम जो एक्सप्रेस का सर्वर बना रहे हैं, एक्सप्रेस HTTP सर्वर को बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, एक्सप्रेस JS की लाइब्रेरी के साथ हम सॉकेट का सर्वर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सॉकेट का सर्वर बनाने के लिए socket.io करके लाइब्रेरी है। अच्छा, अगर मैं टोटली अपनी एप्लीकेशन सॉकेट सर्वर पे बनाता हूँ एक्सप्रेस की, फिर मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, सॉकेट का जो, अच्छा, सॉकेट की जो एक्सटेंशन है, क्या उसको प्रोटोकॉल जो है, जैसे HTTP API है ना, अभी हम कॉल करते हैं तो कैसे करते हैं, https://, जो भी मेरी ऐप का डोमेन है वो /api/v1/messages, और पोस्ट भेजते हैं तो मैसेज चला जाता है। ठीक है, सर्वर पर वो API हिट होती है। सॉकेट पे बने हुए सर्वर की जो प्रोटोकॉल है ना वो क्या है, WS:// ठीक है, और अगर सिक्योर है जैसे HTTPS होता है तो इसमें WSS है, दो दफा S WS में और :// अच्छा, सॉकेट की जो रिक्वेस्ट है जब सॉकेट के सर्वर पे आती है, HTTP में तो ये होता है ना, रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स गया, ताल्लुक ख़त्म हो गया। सॉकेट की रिक्वेस्ट जब आती है एक दफ़ा तो वो कनेक्ट हो जाती है, वापस जाने का रास्ता वो सारा सेव कर लेता है। हम थ्योरी थोड़ा पढ़ चुके हैं शायद पास में, मैं थ्योरी आपको बता चुका हूँ कि क्या है, कि वो रिक्वेस्ट जाती है उधर जाके सेव हो जाती है रिक्वेस्ट, और रिस्पांस पहली दफ़ा भी आ जाता है और फिर बाद में जब चाहे सर्वर उसी रास्ते से रिस्पांस भेज सकता है। तो सॉकेट जो है, जो लाइब्रेरी है, इसके ऊपर पूरा का पूरा सर्वर बन सकता है।
आप वो सारी चीज़ें सॉकेट के सर्वर से कर सकते हैं जो हम एक्सप्रेस से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सॉकेट का डाउनसाइड ये सॉकेट है, एक तो हैवी है, हम कोशिश करते हैं हम जितने कम से कम सॉकेट के कनेक्शन बनाना चाहें उतने हम कम करें, ठीक है। सॉकेट थोड़ा सा हैवी है एज़ कम्पेयर टू HTTP, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमें एक तरफ होना पड़ता है, या तो हम पूरा सर्वर उस पर बनाएं या तो इस पर बनाएं। तो ये वाली जो APIs है ना, ये ज़्यादा सपोर्ट इसकी ज़्यादा है, HTTP API की सपोर्ट ज़्यादा है। आप किसी भी किस्म की डिवाइस से ना ये कॉल कर सकते हैं। ऑन अदर एंड जो सॉकेट का जो कनेक्शन है वो IoT डिवाइसेस से आमतौर पर आप नहीं बनाते, ठीक है। बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं है, कोई लाइब्रेरी भी नहीं है। कोई IoT डिवाइस है ना उससे आप सॉकेट का कनेक्शन नहीं बनाते, और लाइब्रेरी भी कोई नहीं है। अगर बनाएंगे भी तो बहुत लंबा चौड़ा कोड खुद करना पड़ेगा आपको। IoT डिवाइस मीन्स रसबरी पाई वगैरह, या कोई सेंसर है, जैसे इस स्पीकर के अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है, तो वो डायरेक्ट HTTP API कॉल कर सकता है, लेकिन सॉकेट के कनेक्शन पे ना फिर बड़ा मसला है, ठीक है। इसी तरीके से मोबाइल ऐप्स वगैरह जो है वो HTTP तो सब जगह से कॉल हो जाती है, और ईजिली कॉल हो जाती है, ठीक है। तो सॉकेट का जो प्रोटोकॉल है WS, उसकी रिक्वेस्ट और उसका रिस्पॉन्स, अगर वो नेटिवली मौजूद नहीं है तो लाइब्रेरी के ज़रिए फिर चाहिए होता है वो। तो वेल, हमें एक तरफ होना होता है, तो या तो हम सॉकेट की तरफ हो जाते हैं या तो हम इधर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में हम क्योंकि मर्न स्टैक की ऐप बना रहे हैं, तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम किधर हो जाएं, हम जो Node.js वाला जो नेटिव तरीका है, Node.js में जो बनती हैं HTTP लाइब्रेरीज, वो हम कर लें, ठीक है। उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे हमें वो वाले मिल जाते हैं, स्टेटलेस। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई सर्वर एंटायरली सॉकेट IO पे बना हुआ है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप को REST API नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि सॉकेट के सर्वर पे स्टेट मेंटेन होती है, क्योंकि रिक्वेस्ट गई उधर सेव हो गई ना जाके, तो ये स्टेट मेंटेन होती है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो स्टेटलेस से बाहर हो जाता है, मिसाल के तौर पर अगर चार जगह पर चल रही है मशीन, तो चार अलग अलग स्टेट बनाए हुए उसने फिर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट HTTPS का REST API का सर्वर बनाना है, और जहाँ जहाँ पे रियल टाइम कंप्यूटिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे हम सॉकेट का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने ये कोड अपडेट करके रखा हुआ है, तो इसमें ये इस तरह से होगा ना, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना ऐसे सर्वर और ऐसे करके रिक्वायर किया हुआ है, तो ये मैंने क्या कर लिया, ऐसे करके रिक्वायर कर लिया, ठीक है। ये सर्वर रिक्वायर हो गया। अच्छा, सर्वर रिक्वायर करने के बाद मैंने क्या किया, ये देखो, ये मेरी ऐप एक्सप्रेस की बनी, ये मेरा पोर्ट सेट हुआ, एक गेट की रिक्वेस्ट बना दी इसमें मैंने। अब ये गेट की रिक्वेस्ट बनने के बाद, सब कुछ होने के बाद, मैंने क्या किया, मैंने एक क्रिएट सर्वर बनाया। क्रिएट सर्वर क्या चीज़ है, ये मैंने उठाया है HTTP से, ठीक है। HTTP क्या चीज़ है, Node.js के साथ एक बिल्ट इन लाइब्रेरी आती है HTTP, ठीक है। हम जो ऐप डॉट लिसन करते हैं ना, वो असल में इस HTTP से सर्वर से उठा के ना बैकग्राउंड में, वो अगर हम एक्सप्रेस की लाइब्रेरी यूज़ ना कर रहे हो तो Node.js में हम सर्वर कैसे बनाएंगे, वो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हम कहेंगे क्रिएट सर्वर को उठाओ इस लाइब्रेरी से, और क्रिएट सर्वर डॉट लिसन करते हैं फिर हम, सही है। तो ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग सर्वर हैं, एक्सप्रेस का सर्वर अलग है, वो HTTP सर्वर है, ये अलग है, तो मुझे एक ही कंप्यूटर पे रहते हुए ना, क्योंकि दो चलाने हैं, तो मैं ये अब सर्वर में अलग से बनाऊंगा, सर्वर में अलग से बना के दोनों इसको पास कर दूंगा, बोलूँगा सॉकेट भी ले लो एक्सप्रेस भी ले लो, दोनों तुम्हारा है, जो रिक्वेस्ट आए उसको ला के देना, समझ लो। इसलिए मुझे ये क्रिएट सर्वर अलग से करना पड़ रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रिएट सर्वर बना दिया और इसको मैंने पास कर दिया, सही है। इसका मतलब है मेरी जहाँ पे तमाम APIs बन के ख़त्म हो गई हैं, तो ये लिसन से पहले पहले अब मैं ये काम करूँगा, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, सर्वर क्रिएट सर्वर, और इसको ये क्या पास कर दी, ये ऐप पास कर दी मैंने, ये वाली, ये एक्सप्रेस की ऐप मैंने इसको पास कर दी। इसका मतलब है अब ऐप में होने वाला जो भी काम है वो ये खुद देख लेगा कि कैसे करना है, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा न्यू सॉकेट IO और इसको ये सर्वर पास कर दिया, मैं जो बना हुआ सर्वर था ना वो इसको पास कर दिया मैंने, और इस पर कोर्स की कुछ रूल्स लगा दिए। मैंने कहा भाई कोर्स ना सारे अलाउ कर दो, मेथड भी सारे अलाउ कर दो, किसी भी ओरिजिन से इस पर रिक्वेस्ट आ सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये दोनों काम कर दिया मैंने। उसके बाद गौर करो यहाँ पर क्या हो रहा है,
लास्ट में आके ना सर्वर डॉट लिसन हो रहा है अभी, ठीक है। अब मैं ऐप डॉट लिसन नहीं करूँगा, ये जो मेरा सर्वर है ना जो मैंने अभी अभी तैयार किया ये रहा, इसके ऊपर डॉट लिसन लगाऊंगा। समझ आया? ये सर्वर मैंने अलग से तैयार किया, इसको एक्सप्रेस की ऐप पास की और सॉकेट को भी यही वाला सर्वर पास किया, समझ रहे हो? अच्छा, ये काम हो गया मेरा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने काम ये करना है कि इसके ऊपर ना कनेक्शन और डिसकनेक्शन का चक्कर सारा सेट करना है। ये दोनों उठा के मैं ले आता हूँ इधर कॉपी करके। सही है, ये इधर तैयार हो गया अब सारा का सारा। ये अब देखो IO करके ना मेरे पास ये एक चीज मौजूद है, IO डॉट कनेक्शन। ये सारा चलता है इवेंट बेस, हम इवेंट को पढ़ चुके हैं हम सब लोग, ये इवेंट बेस है पूरा का पूरा ना, कि इवेंट मिलते हैं तो काम होता है और इवेंट मिलते हैं ऑटोमेटिक। कनेक्शन का इवेंट जब मिलेगा जब इस सर्वर पे कोई नया यूज़र कनेक्ट होगा। अब वो यूज़र कैसे कनेक्ट होता है वो हम फ्रंट एंड से देखेंगे अभी कि वो कैसे कनेक्ट होता है। जब भी कोई यूज़र कनेक्ट होगा तो उसकी एक यूनिक आईडी होगी यहाँ पे, ठीक है। वो मैंने कंसोल करवा दी, उस यूनिक आईडी को मैंने कंसोल करवा दिया। अच्छा, और उसके बाद मैंने उसी पॉइंट पे देखो यहाँ सॉकेट मिला था ना, ये पूरा उस यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट है ये जो अभी अभी कनेक्ट है, कि कनेक्शन हुआ है ना नया कनेक्शन, तो नए कनेक्शन का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? नए कनेक्शन का पूरा ऑब्जेक्ट है ये जो मुझे यहाँ मिला है, और काइंड ऑफ उस कनेक्शन की आईडी है। यूज़र की तो खैर क्या ही है, उस कनेक्शन की एक यूनिक आईडी है। अच्छा, मैंने कहा कि सॉकेट डॉट ऑन, यानी इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने डॉट ऑन कहा कि डॉट डिसकनेक्ट और एक फंक्शन पास कर दिया। इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूज़र जब डिसकनेक्ट हो, अभी हुआ नहीं है, डॉट ऑन का मतलब है कि मैं सेट कर रहा हूँ इसके ऊपर। अच्छा, ये भी आईओ अभी कनेक्शन हुआ नहीं है अभी, ये तो मैं बता रहा हूँ कि भाई जब डॉट आईओ डॉट ऑन कनेक्शन जब हो तो ये फंक्शन पूरा चला देना, और जब ये फंक्शन चले, ठीक है, तो इसमें ये मिलेगा आपको पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है। फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहीं पे डॉट ऑन लगा देना कि जब ये डिसकनेक्ट हो तो यहाँ पे ना वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको कि ये डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही एक यूज़र कनेक्ट होता है ये न्यू क्लाइंट लिखा हुआ जाएगा, वही यूज़र जब डिसकनेक्ट होता है तो उसकी आईडी के साथ में यहाँ पे डिसकनेक्शन बता सकता हूँ कि ये बंदा डिसकनेक्ट हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, इस सॉकेट के ऊपर मैं, ये देखो यही सॉकेट है ना, डॉट इमिट करूँगा ना जब, तो इस यूज़र को रिस्पॉन्स मिलेगा, ये किसी और को नहीं मिलेगा, सिर्फ इस यूज़र को मिलेगा। डॉट इमिट किया मैंने, और एक टॉपिक होता है इसके अंदर और एक होता है डेटा, ठीक है। ये जो टॉपिक होता है, फ्रंट एंड से बंदे ने कनेक्ट तो कर लिया, सॉकेट के सर्वर से कनेक्शन कर लिया उसने, साथ साथ वो क्या करेगा, कुछ टॉपिक्स पे लिसनिंग करेगा, सही है। सर्वर जब मैसेज भेजता है ना तो टॉपिक वाइज भेजता है, ये इसका एक तरीका है। तो ये पब सब भी कह सकते हैं उसको ना, पब्लिश सब्सक्राइब, कि यहाँ से हम पब्लिश करते हैं डॉट इमिट करके, ठीक है। वो तो ना लाइट इमिटिंग डायोड, LED को ऐसा डायोड जिसमें से लाइट इमिट होती है, निकलती है। तो ये इमिट का मतलब तो निकालना, ये हम इस सर्वर से ना इमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं कि जाओ, और किस पे भेज रहे हैं, इसी यूज़र को भेज रहे हैं जो अभी भी कनेक्ट हुआ है, और किसी को भी नहीं मिलेगा ये, ठीक हो गया। अच्छा, और डॉट इमिट में क्या दे रहा हूँ, मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ। अगर ये टॉपिक इस यूज़र ने सब्सक्राइब किया हुआ होगा ना, जब ही उसको ये मैसेज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी वो फ्रंट एंड से कैसे सब्सक्राइब होता है वो भी हम देखते हैं। अच्छा, टॉपिक ये है और उस टॉपिक पे ये डेटा मैंने भेजा है। अच्छा, टॉपिक सेम रहेगा, डेटा चेंज होता रहेगा, जब जब मैं भेजूंगा डेटा अलग होगा, ठीक है। फिर अच्छा, ये टॉपिक भी कहते हैं, इसको चैनल भी कहते हैं, एक ही वर्ड है, एक ही चीज़ है, दो अलग अलग नाम है इसके ना, ठीक है। बच्चों बात नहीं करो आपस में, तो इसको टॉपिक भी कहते हैं, इसको चैनल भी कहते हैं। तो चैनल की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी नाम लिख के आप चैनल भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा।
अच्छा तो ये मेरे पास बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अच्छा अकॉर्डिंग टू दिस वन जो भी था ये वो हो गया। अच्छा अब अगला देखो क्या हुआ हुआ यहाँ पे, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या होता है, जो कंटिन्यूसली 2 सेकंड के वक्फे से कंटिन्यूसली ये होता रहेगा। अच्छा इस पे मैंने देखो आईओ डॉट इमिट किया, ये आईओ क्या चीज़ है, ये आईओ मेरा सॉकेट का सर्वर है, पूरा मेन सर्वर है, यानी जैसे एक्सप्रेस में होता है ना ऐप डॉट, तो मैंने आईओ डॉट इमिट किया है। इसका मतलब है ये तमाम यूज़र को ये मैसेज मिलेगा, सही है। इसका मतलब क्या है कि ये तमाम यूज़र को ये मैसेज मिलेगा। अच्छा टॉपिक कौन सा है, टेस्ट टॉपिक, और साथ में इवेंट है और कुछ डेटा है, ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने भेजी है। अच्छा डेटा में मैं स्ट्रिंग भी भेज सकता हूँ और मैं ऐसे करके ऑब्जेक्ट भी करके भेज सकता हूँ, दोनों तरीके से भेज सकता हूँ। अब ये फ्रंट एंड पे ये चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं ये हम अभी देख लेंगे। ठीक हो गया जी, ओके ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है। अब मैं अगर इसको सर्वर पे जाके देखूंगा ना, इस सर्वर को मैं रन करूंगा, अगर npm run dev, ठीक है देखो मेरा सर्वर चल गया, देखो कंटिन्यूसली ना ये हर 2 सेकंड पे इमिट कर रहा है, ठीक है, ये इस इंटरवेल की वजह से। अच्छा इतना काम हमने सर्वर पे कर लिया, ये बेसिक सेटअप हो गया हमारा किस चीज़ का, सॉकेट आईओ के सर्वर का। ये यहाँ पे अब कनेक्शन एक्सेप्ट करेगा और साथ साथ ये क्या करेगा, कुछ इमिट भी कर रहा है यहाँ से जो मैं फ्रंट एंड पे डिटेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा ये काम हमने कर लिया, अब हम आ जाते हैं कि फ्रंट एंड पे ये काम कैसे होगा, फ्रंट एंड पे मैं कनेक्शन करूँगा कैसे इससे। ये मैं इधर आ गया और क्लाइंट डॉट यार इसमें मैंने 2 बनाए हुए थे वैसे, इसमें मैंने 2 फाइल बनाई हुई थी, एक मैंने बनाया हुआ था HTML की फाइल, वो पता नहीं मैंने शायद डिलीट हो गई मुझसे वो। वेल छोड़ो, हमें तो यही करना है जो अभी रिएक्ट में हो जाता है ये वाला। अच्छा क्लाइंट की जो लाइब्रेरी है ना इसकी, वो देखो डैश क्लाइंट लगा हुआ है उसके अंदर, सही, ये सिर्फ क्लाइंट वाली लाइब्रेरी है। अच्छा इसको मैंने इंस्टॉल करना होता है, तो सबसे पहले इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ आगे। कहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, फ्रंट एंड का कोड रोकूँगा मैं, इसमें ये मैं इंस्टॉल करूँगा npm i और ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद मैंने इसको इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है, इम्पोर्ट जो है वो नया वाला कोड है ऑब्वियसली, चैट स्क्रीन के ऊपर मैं इसको इम्पोर्ट करने जा रहा हूँ, राइट। ठीक है ये चैट स्क्रीन पे मैंने इसको इम्पोर्ट किया है इस वाले कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है, तो ये सिर्फ इस कंपोनेंट पे ही हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है इसको लेके। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने कहना है कॉन्स्ट सॉकेट इक्वल्स टू IO और उसके अंदर ये URL पास कर देना है, जो भी मेरे सर्वर का करंट URL है, तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अगर सर्वर का URL होगा तो वो सर्वर का दे दूंगा मैं URL, तो वो एक ही बात है। अच्छा तो ये मैं कनेक्शन उठा लेता हूँ इसका, यहाँ से कनेक्शन आ जाते हैं इधर करने के लिए हम। अच्छा ये कनेक्शन मैंने कहाँ पे करना है, ये मैंने हमेशा करना है यूज़, ये बंद हो गया ना सर्वर, इसको दोबारा चलाना पड़ेगा, ठीक है, फ्रंट एंड का सर्वर दोबारा से चला दिया मैंने। अच्छा इसका कनेक्शन मैं हमेशा कहाँ पे करूँगा, इसका कनेक्शन मैं हमेशा यूज़ इफेक्ट में करूँगा, ठीक है। एक दूसरा यूज़ इफेक्ट बना लेते हैं इसके लिए डेडिकेटेड, सही है, तो ये मैं हमेशा यूज़ इफेक्ट के अंदर इसको कनेक्ट करता हूँ इसके बगैर, क्योंकि मुझे कंपोनेंट लोड होने में एक दफ़ा कनेक्ट करना है, अगर मैं इसको यूज़ इफेक्ट में नहीं करूँगा तो ये बार बार कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और मेरे पास क्या है अब आगे, अच्छा अब मेरे पास क्या है, सॉकेट डॉट ऑन कनेक्ट, सॉकेट डॉट ऑन टेस्ट टॉपिक और सॉकेट डॉट ऑन डिसकनेक्ट, ये 3 इवेंट मैंने यहाँ पे हैंडल किए हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं इन 3 को, मैं बल्कि इस चौथे को भी मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने सॉकेट कनेक्ट किया और सॉकेट के कनेक्ट होने पे मैंने कनेक्टेड कंसोल पे करवा दिया कि भाई कनेक्टेड हो गया सॉकेट। अच्छा सर्वर का मेरा URL 5001, तो मैं 5001 रखूँगा ऑब्वियसली, ठीक है, और क्योंकि मेरा सर्वर लोकल चल रहा है
तो मैं इस वजह से क्या ये हाँ सर्वर लोकल चल रहा है, इस वजह से HTTP है यहाँ पे। जब ये क्लाउड पे चला जाएगा तो HTTPS हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये HTTPS जस्ट कन्वीनियंस के लिए, समझ रहे हो बात। ये लाइब्रेरी लेवल पे क्योंकि हुआ है ना, सॉकेट आई ओ की लाइब्रेरी है, तो इसलिए HTTP इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। अदरवाइज ये HTTP नहीं होगा, ये होगा WS, ठीक है। मगर ये लाइब्रेरी लेवल पे इसको हैंडल कर रहा है। अभी हम क्रोम पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे ना, तो देखना WS कनेक्ट हुआ होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस के लिए जस्ट यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने बोला कि सॉकेट ऐसे, मैंने बोल तो दिया कनेक्शन हो जाए, लेकिन जब कनेक्ट हो जाए तो ये काम कर देना, कनेक्टेड लिखा हुआ जाना चाहिए, सही है। अच्छा, उसके बाद मैं एक टॉपिक पे सब्सक्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है टेस्ट टॉपिक। तो जब भी इस टॉपिक पे या इस चैनल पे कोई डेटा रिसीव हो सर्वर से, तो ये फंक्शन चलेगा, डेटा यहाँ मिलेगा और इस डेटा को मैंने कंसोल करा देना है, दैट्स इट, ठीक है। ऑन डिस्कनेक्ट, किसी भी वजह से अगर ये सॉकेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ लिखा हुआ जाए कि भाई सॉकेट डिस्कनेक्ट हो गया, किसी भी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका मैंने क्लीनअप भी करवाना है सॉकेट डॉट क्लोज करके, ठीक है। क्लीनअप मैंने क्यों करवाना है इसका, रिटर्न में एक फंक्शन देता हूँ मैं ऑब्वियसली, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैंने सॉकेट डॉट क्लोज करवाया है। अब ये भी मैं दिखा देता हूँ कि ये क्लोज ना करें तो होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये सीधा सीधा कोड है, इसको चला के देखते हैं, फिर इसमें एक दो चीज़ें ना एक्सपेरिमेंट वाली, कंसोल पे कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। देखो इवेंट आना शुरू हो गया यहाँ पर, ये रियल टाइम में इवेंट आ रहा है सर्वर से। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश किया इसको, तो ये देखो कनेक्टेड लिखा आ रहा है यहाँ पे, सही है। ये कनेक्टेड आ रहा है मेरे लाइन नंबर 55 से आ रहा है, जो मैंने वहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, आइटम एडेड आइटम करके जो है ना, मेरे पास एक जेसन डेटा मुझे मिलता है सर्वर से, ठीक है। एक जेसन डेटा है ऑब्वियसली, यहाँ पे मैं जो टेस्ट टॉपिक के नाम से मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है, इसी टॉपिक पे मैं सर्वर से डेटा भेज रहा हूँ इंटरवेल करके, ठीक है। यहाँ से मैं डेटा भेज रहा हूँ, अच्छा यहाँ से मैं स्ट्रिंग भेजूंगा तो स्ट्रिंग आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं सर्वर पे ये भेज रहा था ना, मैंने कहा सम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग आ रहा है अभी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट भी भेज सकता हूँ, बेहतर ये कि मैं ऑब्जेक्ट भेजूँ बजाय स्ट्रिंग भेजने के। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं कंटिन्यूसली जो भेज रहा हूँ ना, वो सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए भेज रहा हूँ, कि वो डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए वो कंटिन्यूसली आ रहा है यहाँ पे, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। जब कोई इवेंट होगा सर्वर पे, जब ही वो इवेंट इधर पहुँचेगा, ठीक है, जैसे कि किसी ने नया मैसेज भेजा तो यहाँ पे आएगा, सही, लाइक दिस। अच्छा जी, तो ये हो गया भाई हमारा काम। अब हमें अगला काम क्या करना है, अगला काम हमें ये करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके देखना है कि ये नेटवर्क का चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है, सही है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करके ना देखो, एक ऐसी रिक्वेस्ट होगी जो पेंडिंग में घूम रही होगी, ठीक है। स्टेटस 200 है, एक में पेंडिंग होगा, ठीक है। ये देखो, नहीं ये तो वो, ये भी बाई द वे जो WS है ना, ये क्या है, ये जो मैं NPM स्टार्ट करता हूँ ना, रिएक्ट किया है, वो इंटरनली उसने सॉकेट का सेटअप किया हुआ है, तो वो ये वो वाला सॉकेट है WS, कि जैसे ही मैं उधर कुछ कोड लिखता हूँ ये रिफ्रेश हो जाता है ना, रिएक्ट किया है, वो इस सॉकेट से ही होता है वो भी, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट होगी जो ये रहा, ठीक है। देखो टाइप में इसके क्या लिखा हुआ रहा है, वेब सॉकेट, ठीक है, छोटा सा वेब सॉकेट लिखा हुआ रहा है टाइप में, ठीक है, वेब सॉकेट। अच्छा, इस रिक्वेस्ट को मैं इंस्पेक्शन पे डालता हूँ, देखो क्या आया इसके अंदर, ये WS:\localhost:5001/socket-io/eio4। अच्छा, सॉकेट आयो के ना 4 वर्जन है, तो ये 4 वर्जन है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट वेब सॉकेट, और एक ID भी इसने यूनिक बना के यहाँ से लेकर गया है, ये भाई इस ID से कनेक्ट हो, सही है। और ये ID AAAC करके नाम है इस ID का, तो यहाँ पे हम आके देखते हैं। हमने देखा था ना कि जब कोई नया कनेक्ट हो बंदा, तो उसकी ID को प्रिंट करना है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, कनेक्शन नहीं आया, हाँ ये रख देखो, है ना, न्यू क्लाइंट कनेक्टेड, ये वही सेम ID है जो वहाँ पे से लेकर आया है। तो वो सॉकेट उसको लाइब्रेरी लेवल पे, क्या हमने तो नहीं बनाई ये ID, वो तो सॉकेट खुद बना रहा है, तो वो लाइब्रेरी लेवल पे उसने क्या किया, एक वहाँ से ID बना के भेजी। अच्छा, ये ID हम कस्टम भी कर सकते थे, ठीक है।
ठीक है, मैं कस्टम भी उस आईडी को कर सकता था कि जो बंदा लॉग इन है उसकी ईमेल भेज दो इस आईडी की जगह पर, ठीक है, या उसकी जो अंडर स्कोर आईडी है वो भेज दो, तो ये भी मैं कर सकता हूँ इसमें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैंने अगला काम क्या करना है कि जब कोई बंदा मैसेज भेजता है, जब, ठीक है, यहाँ पे अब देखो होगा क्या, फ्रंट एंड पे आते हैं, फ्रंट एंड ये रहा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पे मैं टेस्ट टॉपिक पे सब्सक्राइब नहीं करूँगा। मैं कौन से टॉपिक पे सब्सक्राइब करूँगा? एक टॉपिक मुझे बनाना पड़ेगा अपना खुद का। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये जिस बंदे से भी बात हो रही है ना, उस बंदे का मैं इसको ना टेम्पलेट बनाता हूँ। टेम्पलेट बना दिया मैंने, सही है। और इसमें अब क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई मेरी आईडी और डैश और उस बंदे की आईडी, सही है। मैंने कहा कि भाई स्टेट डॉट क्या था, यूजर क्या रखा हुआ था मैंने स्टेट में, कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर, ठीक है, स्टेट डॉट यूजर डॉट अंडर स्कोर आई डी, इसमें मेरी आई डी मुझे मिल जाएगी ऑब्वियसली, सही है। मैंने कहा मेरी आई डी साथ में डैश और साथ में फिर सामने वाले बंदे की आई डी, सही है। मैंने कहा ये एक टॉपिक है जिस पे मैं सब्सक्राइब करूँगा, सही है, इस वक्त, राइट नाउ। अच्छा, एक चीज़ मैं वो डेमॉन्स्ट्रेट करना भूल गया कि अगर हम ये वापस मैं उस पर लाता हूँ, अगर हम क्लीन अप ना करें तो क्या होगा, ये मैं डेमॉन्स्ट्रेट करना भूल गया, ये भी आपको डेमॉन्स्ट्रेट करवा देता हूँ। ये वापस मैं उसी सेटअप में आ गया। अच्छा, कॉन्सोल पर गया मैं, रिफ्रेश किया मैंने इसको। अब क्या होता है, एक एक करके इवेंट आता है, ये एक दफ़ा कनेक्ट हुआ हुआ है। अब मैं यहाँ से आके इस क्लीन अप को हटा देता हूँ। क्लीन अप को हटाते ही देखो क्या होगा, डबल कनेक्ट हो जाएगा वो। नहीं हुआ डबल कनेक्ट, ऐसा कैसे है? देखो डबल कनेक्ट हो गया, अभी एक दफा में तीन इवेंट ला रहा है, नोट कर रहे हो? क्योंकि जब क्या हुआ था, क्योंकि ये जो यूज इफेक्ट है ये एक दफा चलता है ना, जब पेज लोड होने पे एक दफा चलता है, तो एक दफा इसने बोल दिया ना कि जब कनेक्ट हो जाओ ऐसे करके, तो वो कनेक्ट हो गया। अच्छा, कनेक्शन कंपोनेंट के अंदर तो नहीं बना, कनेक्शन तो बना है ब्राउज़र लेवल पे, क्योंकि हम ये बोल के हमने ब्राउज़र को बोला था कि बच्चा कनेक्ट हो जाओ, ये सर्वर का नाम है, आप चमक जाओ इसके साथ जाके, वो चमक गया। अब मसला ये है कि जब मेरा कंपोनेंट रीरेंडर होता है ना, तो यहाँ क्या हुआ था ये भूल जाता है। अच्छा, जाहिर है जब पूरा पेज मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये यूज़ इफेक्ट क्या होगा, दोबारा चलेगा, तो सब कुछ दोबारा शुरू हो जाएगा, सही है। या किसी भी वजह से अगर मैं ये कंपोनेंट छोड़ के किसी दूसरे कंपोनेंट पे चला गया हूँ, ये कनेक्शन तो ख़त्म ही नहीं होगा, ये स्टिल कनेक्टेड रहेगा। और कनेक्टेड रहने का मतलब क्या है, मेरे सर्वर पे लोड डालता रहेगा, मेरे सर्वर की रिसोर्सेज कंज्यूम करता रहेगा, सर्वर को भी लगेगा कनेक्टेड है तो वो भी मैसेज भेजता रहेगा वहाँ से। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे सॉकेट को क्लोज करना होता है। ये जो मैंने कनेक्शन इस जगह पे क्रिएट किया ना, इसको मुझे क्लोज करना होता है एट सम पॉइंट। और हमारे इस केस में मुझे क्लीनअप पे क्लोज करना है, जो यूज़ इफेक्ट का क्लीनअप होता है। यूज़ इफेक्ट का क्लीनअप कब चलता है कोई बता सकता है? ये क्लीनअप कब चलता है पता है ना, क्लीनअप क्या होता है, मैं ये मेक श्योर करना चाह रहा हूँ। अनमाउंट जब होता है, सही है। ये जो कंपोनेंट रेंडर हुआ है, ये रेंडर हुआ का मतलब माउंट हुआ है एक्चुअली, ठीक है। डॉम में ये कंपोनेंट पहले नहीं था, जब आप होम पेज पे थे तो ये कंपोनेंट डॉम पे चढ़ा हुआ नहीं था। तो जब डॉम पे इस कंपोनेंट को उठा के चढ़ाया गया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड माउंट होना, उसको डॉम के ऊपर उसको चढ़ा दिया गया। अब वो डॉम पे जैसे ही आया, यानी एग्जिस्टेंस में आया जब ये कंपोनेंट, तो इसने यूज़ इफेक्ट एक दफ़ा चला दिया। अब वंस अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ या इस कंपोनेंट को छोड़ के जाता हूँ, तो उसको डॉम से वापस उतारा जाता है, यानी कि मेमोरी से उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ख़त्म करने से पहले अगर मुझे कुछ काम करवाने हैं तो वो मैं यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे काम करवाता हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड क्लीनअप। तो किसी भी किस्म के सॉकेट पे अगर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, किसी भी किस्म का टाइमर इंटरवल वगैरह कुछ भी लगाया हुआ है,
तो वो मैं इस क्लीन अप में ख़त्म करूँगा उसको, मैं बोलूँगा भाई इसको क्लियर कर दो। ठीक है, नहीं भेज रहा है वहाँ से, जब वो यहाँ से मैंने क्लोज बोला ना जब, तो इसने सर्वर को बोला कि क्लोज, सर्वर को समझ आ गया कि अब नहीं भेजना। ठीक है, इसको नहीं भेज रहा, जैसा कि मैंने जिक्र किया था ना कि जब सर्वर तो अपनी जगह, वो सर्वर भेज तो रहा है सबको, अभी भी सर्वर रुका नहीं है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसको नहीं भेज रहा। ठीक है, एक्चुअली सर्वर में ना अभी अगर आप गौर से देखोगे ना यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ तो आ रहा है इमिटिंग डेटा टू ऑल क्लाइंट, लेकिन असल में कुछ भी नहीं हो रहा। असल में कुछ इसलिए नहीं हो रहा कि सर्वर से कोई क्लाइंट कनेक्टेड नहीं है, तो सर्वर को जब पता है कि मेरे पास कोई क्लाइंट ही कनेक्टेड नहीं है, तो वो किसी को भी नहीं भेज रहा, और ये सारा काम सॉकेट की लाइब्रेरी लेवल पे हो रहा है। ये काम लाइब्रेरी में इस चीज़ को हैंडल किया हुआ है कि कितने यूज़र कनेक्टेड हैं, उनको भेजना है। ठीक है, वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि इमिटिंग डेटा टू ऑल क्लाइंट, ऑल क्लाइंट तो कोई चीज़ नहीं है ना भाई, वो तो जब कोई यूज़र आता है उसका मैं डेटा सेव करता हूँ, तो वो तो एक एरे है, तो उस एरे पे लूप चलाना है हर दफ़ा, वो तो मैं नहीं कर रहा, तो वो लाइब्रेरी लेवल पे हैंडल हुआ है। तो असल में वो एक एरे है, एरे ऑफ एड्रेसेस, और उन तमाम एड्रेसेस पे वो मैसेज भेजना होता है। सही है, तो जैसे मतलब वो मेरा यूज़र 500-600 होगा ना, तो ये चलने में भी रो देता है फिर, यानी आप जब करोगे ना एक दफ़ा इमिट, तो वो 2-3 सेकंड के लिए कांप जाता है, थोड़ा हैंग हो जाता है, फिर वो बोलता है अच्छा सबको चला गया। ठीक है, तो जितने ज़्यादा यूज़र होते हैं फिर मैसेज भेजने में ज़ाहिर है, क्योंकि वो लूप चला रहा है और एक एरे के ऊपर, और हर एंटिटी में जाके वो उसको एक एक करके मैसेज भेजता है। ठीक है जी, तो मैंने क्या करना है, अब वापस आ जाता हूँ मैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना जो चैनल पे सब वो करना है, ठीक है, मुझे जिस चैनल पे सब्सक्राइब करना है वो चैनल क्या है, उसका नाम मेरी आईडी डैश और सामने वाले बंदे की आईडी, ये वो चैनल है जिसके ऊपर मैंने सब्सक्रिप्शन लगा के रखनी है। ठीक हो गया, तो अच्छा डिसकनेक्ट होने पे मैंने कहा कि भाई कंसोल लगा देना यहाँ पे आप, और कनेक्ट होने पे ये कंसोल लगा देना। अब ये कनेक्ट और डिसकनेक्ट होने पे कोई काम अगर करवाना है आपने तो ये उसके लिए, अगर कोई काम नहीं करवाना तो दैट्स इट। अच्छा, अब असल कहानी चलेगी यहाँ पे, यहाँ पे जो मेरे पास डेटा आएगा ना, इस डेटा को मैंने क्या करना है, इस डेटा को मैंने अपने स्टेट में डालना है। ज़ाहिर है यहाँ पे ये जब चलेगा, जब सामने से मुझे कोई मैसेज करेगा, तो इस डेटा को मैंने स्टेट में डालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट कॉन्वर्जेशन करके कुछ यहाँ पे मैं करूँगा। सही है, सेट कॉन्वर्जेशन करके ऐसे डेटा करके कुछ डालूँगा मैं। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं सर्वर से क्या भेजूँगा, तो पहले चल के सर्वर से भेजने की सेटिंग करते हैं। यहाँ आके सेट कॉन्वर्जेशन में मैं डेटा डालूँगा ना जब, तो अच्छा सेट कॉन्वर्जेशन तो एरे है ना, तो पहले वाला भी रहेगा और नया भी रखना है। वेल, तो अभी हम प्लान करते हैं कैसे होगा। अच्छा, अब सर्वर पे जाके मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा IO करके है, इसको मुझे उस API वाली जगह पे लेकर जाना है एक्चुअली। ठीक है, वो तो यहीं पर ही है एक्चुअली, पोस्ट और ये वाला, ये मेरी वो API है जिसमें मैसेज जब सेंड होता है तो मुझे यहाँ पर मिल रहा होता है, राइट। तो अच्छा, एक प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, वो प्रॉब्लम ये होगी कि ये मैंने क्योंकि कॉन्स्ट करके बनाया है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे ये उस जगह पे नहीं मिलेगा, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ठीक है, और लेट करके इसको मुझे यहाँ से कट करके सिर्फ IO करना पड़ेगा, और इसको डिक्लेयर मुझे शायद टॉप पे करना पड़े यहाँ पे। सही है, ताकि मुझे ये इस पूरे में मिले, अगर मे भी बल्कि शायद मैं करके देखता हूँ, शायद मुझे यहाँ पे मिल जाए ऑब्वियसली, लेकिन ये नहीं मिलेगा क्योंकि लेट करके बना हुआ है, जो लेट करके बना हुआ वेरिएबल होता है वो अपनी डिक्लेरेशन से पहले नहीं मिलता। यहाँ पे मैं आके देखता हूँ क्या कहता है ये। ठीक है, जैसे ही ये डेटाबेस में सेव हो जाता है ये डेटा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, IO डॉट करके इमिट करना है। ठीक है, इमिट करके एक सर्टेन चैनल है उसके ऊपर इमिट होगा ये। ठीक है, सर्टेन चैनल जो है वो मेरा क्या है, वो ये है कि भाई जो मेरे पास जो 2 वाली ID है वो डैश और फ्रॉम वाली ID जो है वो। सही है, इस पे मुझे इमिट करना है, और कॉमा करके क्या इमिट करना है, ये जो सेंट है ना ये इमिट करना है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। सही है, ये मैंने इमिट कर दिया यहाँ से। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, एरर तो मुझे यहाँ पे दे रहा है तो नहीं है सर्वर पे कुछ ये। अच्छा, ये एरर तो जब देगा ना, जब वो चलेगा, तो मैं एक मैसेज भेजता हूँ।
एरर नहीं दिया है इसने. गुड. अच्छा तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये मैंने क्या सही लगाया है, इसमें मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, क्योंकि इस इमेज के ज़रिए ना मुझे, जैसे मैं मैसेज भेज रहा हूँ ना, तो मुझे अपने आप को नहीं भेजना है, मुझे सामने वाले को ये इमेज करवाना है सिर्फ. ठीक है, तो मैं अब ज़रा यहाँ पे आ जाता हूँ अपने फ्रंट एंड पे. फ्रंट एंड पे मैंने जो लगाया है वो मेरी आईडी लगाई हुई है और सामने वाले अपोनेंट की आईडी लगाई हुई है. इस पे मैं लिसन करके बैठा हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब है जो मेरा अपोनेंट है उसने यहाँ पे अपनी आईडी लगाई हुई है. मेरा जो अपोनेंट है उसने यहाँ पे अपनी आईडी लगाई हुई है और सामने वाले पे मेरी लगाई हुई है. ठीक है, तो पहले मेरे अपोनेंट की आईडी और फिर मेरी आईडी अगर करके दूंगा मैं, तो सिर्फ मेरे अपोनेंट को मैसेज मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा. सही है, तो मैंने पहले अपने अपोनेंट की आईडी रखी है, बिल्कुल सही रखा है मैंने, समझ रहे हो बात. तो ये मुझे नहीं मिलेगा ये मैसेज, ये मुझे मैसेज मेरे अपोनेंट को मिलेगा. तो अपना अच्छा इतने कोड को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कमिट करके पुश करना पड़ेगा ताकि ये साइक्लिक पे पहुंच जाए. ठीक है, सॉकेट बेसिक सेटअप और इसको मैंने पुश कर दिया. ठीक है, पुश करने के बाद अब ज़रा इसको देखते हैं कि इसकी क्या रिपोर्ट है. सॉरी क्या हुआ, हाँ बिल्ड नहीं चला ही मैंने. सही है जी, बिल्ड चल रही. क्या रखा था यार मैंने इसका URL, अरे यार मैंने एक मिस्टेक कर दी. मैंने एक मिस्टेक ये की है कि जो फ्रंट एंड से मैंने कनेक्शन किया है ना, वो मैंने कनेक्शन क्या कर दिया, वो मैंने लोकल पे कर दिया. मेरा वो लोकल पे थोड़ी होगा, उसमें तो मुझे बेस URL रखवाना पड़ेगा ना, जैसे मैं वो सब पे रखवाता था. ठीक है, स्टेट डॉट बेस URL. ठीक है, तो इसको चेंज करके मुझे एक दफ़ा और बिल्ड चलानी पड़ेगी. सही है, स्टेट डॉट बेस URL. तो बेस URL में जो भी होगा वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, एक दफ़ा और मुझे बिल्ड चलाना होगा अब इसके लिए. अच्छा, अभी मुझे समझ आ गया कि ये एरर क्यों नहीं दिया था इसने सर्वर पे ना, इस जगह पे इसने ये एरर क्यों नहीं दिया. ये जो io.emit कर रहा हूँ ये एरर क्यों नहीं दिया इसने, समझ आया किसी को. वो असल में इतना कोड ना चलता बाद में, वो जब तक ये नीचे डिक्लेयर हो चुका होता है ये वाला, इसलिए मुझे वो मिल रहा है. इसको मैं कॉन्स्ट कर दूंगा तब भी मुझे मिलता रहेगा ये. सही है, ये रीज़न है. ये मतलब बनाने से पहले नहीं इसको मैं कॉल कर रहा, बनाने के बाद ही कॉल कर रहा हूँ, जब भी मुझे मिल रहा है वहाँ पे. सर, होस्टिंग में भी तो ये पहले डिक्लेयर हो जाएगा. नहीं नहीं डिक्लेयर होगा, लेट वाले पे कॉन्स्ट वाले पे होस्टिंग नहीं चलती ना. क्या था यार URL, भूल गया मैं. खुल गया तुम्हारे पास URL वो. ठीक है जी, पहुंच चुका है यहाँ पे और डिप्लॉय हो चुका है ये. सॉकेट सपोर्ट नहीं करता साइक्लिक, आर यू श्योर? 400 दे तो रही है, 400 बोल रहे. किस पे चल जाएगा, रेलवे पे?
5000 आई है अच्छा नहीं क्या इन्होंने कहीं पे मेंशन किया है वेब सॉकेट्स हाँ सही इन्होंने लिखा हुआ है कि वेब सॉकेट्स आर करंटली नॉट सपोर्टेड इन साइक्लिक एप्स व्हाई सर्वरलेस फंक्शन आर ऑन डिमांड जस्ट ऑन लॉन्ग इनफ दिस 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 हाँ सही है ठीक हो गया ये वाला चक्कर है अब इसमें तो चलो रेलवे पे फिर करते हैं इसी ऐप को पूरे को हमने रेलवे पे डिप्लॉय कर दे रहे हैं जाके 88 आवर रहते हैं मेरे 4.53 ये क्या माइनस में है ये क्या है नहीं नहीं अभी है $5 देता है ना ये तो 4.53 मेरे रहते हैं अभी तो मैं न्यू ऐप करके बस इसको जाने देता हूँ है हर महीने शायद देता है पता नहीं कुछ इस तरह का चक्कर है अरे भाई क्या सीन है ये तो मिल ही नहीं रहा इसको क्या सीखी क्या सीन नहीं नहीं अकाउंट तो यही है अभी मैंने पुश किया ना ये डेटा इसमें इसका URL इस पर हिट करके देखता हूँ अरे यार क्या मसला हो गया इसके साथ ये किसी को आइडिया है क्या हो रहा है डिप्लॉय फ्रॉम GitHub डिप्लॉय कन्फिगर GitHub ऐप्स अच्छा वो मुझे लग रहा है कि उसको एक्सेस नहीं है इसका सही है मुझे याद आ गया मैंने ना उड़ा दिया था इसका रेलवे का एक्सेस सही है ओनली रिपॉजिटरी है ना सेलेक्टेड रिपॉजिटरी है तो इसमें मैं इसको ऐड कर देता हूँ बर्न चैट आयो सही है ये एयर का इसको एक्सेस दिया हुआ है मैंने सिर्फ बस अब मिल गया इसको एक्सेस सही है आ गया डिप्लॉय नाउ ये कौन से इन्होंने चक्कर किए हुए यार सॉकेट को रोका हुआ है बिला वजह में वेरिएबल मैट्रिक सेटिंग डोमेन जनरेट अ डोमेन क्या भाई यार डोमेन बनाया भाई इसने चैट ऐप आयो रख देता हूँ इसमें भी मैं सिर्फ चैट ऐप अवेलेबल है अरे चैट ऐप अवेलेबल है यार इसमें तो गुड 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 सही है चैट ऐप अवेलेबल है इसके अंदर अबे क्या सीन है भाई क्या सीन है ये तो कलर ही चेंज कर दिया इसने पूरा हमारा लॉग्स लॉग्स देख लेते हैं इसके भी तो वो तो नहीं हो गया नो डिप्लॉयमेंट लॉग्स बिल्ड के लॉग्स अच्छा ये अभी बिल्ड हो रहा है एक्चुअली ये अभी डिप्लॉय सही तरह हुआ नहीं है टाइम लगा रहा है तो ये क्या दिखा रहा है पता नहीं यार कुछ अजीब से सीन कर रहा है आज मेरा कंप्यूटर मुझे बोल रहा है सोने का टाइम हो गया डॉलरों की बातें हो रही हैं तो पता है डॉलर की बात सुनता हूँ मेरे कान खड़े हो जाते हैं अरे कहाँ से डॉलर चल जा भाई आज की डेट में यार अच्छा ये चल पड़ा है और ये इमिटिंग ऑल डेटा देखो यहाँ से शुरू हो गया है इसका मतलब है कि हमें ये डेटा इमिट होना शुरू हो जाएगा अब यहाँ लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खुल रही अभी तक ये नहीं इसको वो केशे क्लियर करके देखते हैं इसको समझ नहीं आ रहा बेचारे को क्या करना है अरे ये क्या हो गया इसके साथ ये थोड़े
नहीं इसका कलर वलर कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया है। ये तो मैंने किया ही नहीं है यार, ये बैकग्राउंड स्टैरिक करके ये ब्लैक कैसे हुआ हुआ है इसका? अबे ये कौन सी मैंने डिप्लॉय कर दी इसमें? हाँ ना बिल्ड तो चलाई है मैंने अभी, इधर तो सही हुआ हुआ है बिल्कुल, होम भी सही है। अबे भाई ये क्या कर दिया मेरी ऐप के साथ इन्होंने, चैट ऐप डॉट यूपी डॉट रेलवे। यार एक मिनट यार क्या कर दिया ये मैंने इसके साथ, सही है रहा मुझे लग रहा है मैंने किसी और की ऐप खोल ली है। यहाँ से मैंने डोमेन चेंज कर तो दिया है बट वो शायद कुछ गड़बड़ हो गई है इसके साथ। डिप्लॉयमेंट में जाके मैं क्या करूँगा इसको, रीडिप्लॉय कर देता हूँ। अरे यार ये मुझे लग रहा है डोमेन का ही चक्कर है ये, क्या यार क्या हरकत है इनकी, बस ये जो ये डोमेन दे रहे हैं ना उसी को ही खोलते हैं, मेरे समझ आ गई है ये डोमेन का ही चक्कर है। मैंने डोमेन जो कैप्चर किया ना, अरे भाई वन मोमेंट, अच्छा डिप्लॉय कर रहा है सही है। इन्होंने जो यूआरएल दिया है ना वो वही वाला यूआरएल जो है वो कह रहे हैं, चला चला वो फाइनली चल गया। ओके भाई फाइनली भाई मैं ये यूआरएल दे रहा हूँ तुम लोगों को error.sysborg पे, ठीक है वही पासवर्ड इसमें भी चलेगा राइट, वेब क्लास आईडी है वेब, सही है वही पासवर्ड इसमें चलेगा क्योंकि जस्ट डोमेन चेंज हुआ है, क्योंकि इसको मैंने उठा के रेलवे में फेंक दिया। अच्छा अब आ जाते हैं अनस की चैट में आ जाते हैं। चलो भाई अनस भेजो मुझे कोई मैसेज। अनस एट द रेट, हाँ तुम्हारा पहले वो नाम बताओ क्या है इसमें। तो कैसे अजीब नाम रखे हो भाई, आ ही नहीं रहा इसमें तुम्हारा नाम, ये वाला dil@gmail.com ये तुम्हारा। चलो अब एक मैसेज भेजो जल्दी से, एक भेजना। नाम क्या ये यार इंजमाम मलिक स्पेस डाल के दो दफ़ा लिखा हुआ है, मलिक@sysborg होगा मेरे कल भेजा। अभी मेरे पास तो नहीं आया, नहीं आया भाई। अबे ये क्या हुआ, अच्छा अब आ गया। नहीं आ तो गया इसका मेरे पास मैसेज, एक दफा और मैसेज भेजो जरा। नहीं पहुंच रहा भाई मेरे पास, इसका मतलब है मैंने अभी भी कुछ गड़बड़ की हुई है।
मैंने क्या गड़बड़ की है भाई। देख लेता हूँ इसको, इसको जरा कंसोल भी करवा के देख लेता हूँ। सही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू लगा दिया मैंने और ये लगा दिया, सही लगाया यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल। चैनल जो मैंने लगाया है वो मैंने लगाया ये वाला। अच्छा ये जो इमिटिंग बार बार हो रही है इसको तो मैं रोकूं यार, इससे जो है ना सर्वर पूरा बेड़ा गर्क हो रहा है इसका, समझ में नहीं आ रहा, लॉग्स पीछे चल रहा है इसकी वजह से। ठीक है इसको मैंने रोक दिया पहली फुर्सत में। अच्छा ये मैंने रोक दिया, उसके अलावा मैंने चैनल को यहाँ कंसोल करवा लिया जिस चैनल पे मैं भेज रहा हूँ। ठीक है और यहाँ पे मैं जिस चैनल पे सब्सक्रिप्शन करता हूँ उसको, उसका नाम यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ कि मैं किस पे सब्सक्राइब कर रहा हूँ चैनल पे। कहाँ गया वो, अबे चैट स्क्रीन ये रहा। अच्छा मैं जिस चैनल पे सब्सक्राइब कर रहा हूँ वो मेरा चैनल है ये। ठीक है जी, डॉट ऑन डॉट ऑन। सब्सक्राइब्ड और दिस चैनल, मैंने यहाँ पे भी फ्रंट एंड पे भी कंसोल कर दिया कि भाई ये वो चैनल है जिसको मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से बिल्ड चलाता हूँ और बिल्ड चला के उसको मैं दोबारा से भेजता हूँ रेलवे पे और फिर अनस आपने रिफ्रेश करके मुझे मैसेज करना है। अच्छा मेरे पास तो नहीं आ रहा, बट ये जो ये रेलवे वाली ऐप है ना उसमें बता रहे हो ना, एम टी कैश हार्ड रीलोड किया मैंने। नहीं मेरे पास तो नहीं आ रहा बट ये। अच्छा ये वाला फेल्ड वेब सॉकेट, नहीं ये तो देखो पता कौन सा एरर दे रहा है, ये एरर वो वाला दे रहा है जो मैं डॉट क्लोज कॉल करता हूँ ना उसके ऊपर, ये वो वाले का एरर आ रहा है। वो डॉट क्लोज में एक एफ भी लगाना पड़ता है कि अभी बना हुआ है तो उसको कर दो, अभी तो कनेक्टेड है ये, आई एम डैम श्योर कि ये कनेक्टेड है, देख भी लेते हैं यहाँ से क्योंकि वो दूसरा वाला तो आ रहा था ना, इसका मतलब है कनेक्टेड है वो। इसको मैं थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करूँगा ना इसको, ये देखो देख लेते हैं एकदम यहाँ पर 301 301। ये क्या बकवास है, एक मिनट इस URL को मैं कॉपी करता हूँ, एक नया टैब खोलता हूँ, यहाँ पे मैं पहले से इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के रखता हूँ, कॉन्सोल सब चीज़ें क्लियर करके अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हाँ सही है, अरे ये क्या हुआ। अच्छा वो रेलवे पे सिंगल ऐप को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हुई है इसकी वजह से ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई है इसके साथ। क्या हुआ, ये क्या हो रहा है यार, इंटरनेट बंद हो गया क्या, नहीं इंटरनेट तो चल रहा है। को भी चलना चाहिए फिर तो, क्यों नहीं चल रहा है। अबे ये क्या हो गया भाई, इसको चलना ही बंद हो गया ये तो। बिल्ड के लॉग्स देख लेते हैं अब सर्वर पे जाके, डिप्लॉयमेंट 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 व्यू लॉग्स। अबे यार ये क्या चक्कर है, ये जितनी दफा मैं डिप्लॉय करता हूँ ये बिल्ड दोबारा पता नहीं क्यों बनाता है, हालांकि ये सही है वो, असल में मैंने पुश किया है ना नया चेंज
तो वो डिप्लॉय कर रहा है मज़े से अपना, अभी अभी वो बहुत तसल्ली में हो गया है। अब चला है गाल बनिए। अबे भाई हर दफ़ा इसमें मुझे लग रहा है नया कस्टम डोमेन जनरेट करना पड़ेगा। सो डिलीट किया मैंने, जनरेट डोमेन, भाई ये क्या कर रहा है रेलवे, क्या कर रहा है ये मेरे साथ। इसमें लिमिट तो नहीं है रेलवे में डिप्लॉयमेंट की, क्या दो बार तीन बार होगा उसके बाद ठंडा हो जाएगा। रीडिप्लॉय करके देखते हैं चलो इसको। ठीक है, मोंगो इज कनेक्टेड। अब एरर इधर से, ये चक्कर है यार। नहीं इधर तो ये कह रहा है कनेक्ट हो गया, सर्वर पे ये कह रहा है कनेक्टेड है और फिर ये चल भी नहीं रहा। स्लैश एपीआई स्लैश V1 तो उस पर है ना, नहीं मेरा ये सर्वर है ना, ये रहा भाई मेरे सर्वर पे अगर आप स्लैश एपीआई स्लैश V1 नहीं लगाओगे तो इस पर आके हिट होगा, है ना, इस पर हिट होगा आके और चलेगा वो सीधा सीधा। नहीं नहीं प्लान इज नॉट द इशू। एक चीज़ और मैं ट्राई करता हूँ, इस ऐप को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करके नए सिरे से। वो जो शुरू में मैंने डोमेन इसका चेंज किया ना, मुझे लग रहा है उसी वक्त इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है यार, ये स्टेबल नहीं है, ये नए प्लेटफॉर्म है ना, ये स्टेबल नहीं है, ये इसमें मस्ती है कुछ ना कुछ। इसको मैं दोबारा से जो है ना नए सिरे से भी इसको मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। एक मिनट एक्चुअली इसको मुझे ना नहीं है रुकिए बस। सही है, मोंगो इज कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। अब इसको मैं विजिट कैसे करूं, मुझे वो URL जनरेट किए बगैर मैं विजिट भी नहीं कर सकता उसमें। सही है, मैंने URL जनरेट कर दिया, कैन आई नॉट फाउंड। अच्छा ये कह रहा है अभी चल रहा है, कुछ हो रहा है, योर डिप्लॉय वुड बी लाइव सून। यहाँ तो कह रहा है हो गया सब कुछ, यहाँ कह रहा है रुक जाओ।
is that, yeah. यहाँ से एवरीथिंग इज राइट. इस पूरी ऐप को ही अगर मैं डिलीट कर दूँ, ये क्या है, पिंकी बबल, कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं इन्होंने. इस पूरी ऐप को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ और नए सिर इस प्रोजेक्ट को, यानी एक्चुअली प्रोजेक्ट को. एक नया प्रोजेक्ट इसमें ऐड करने जा रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है. काफी टाइम इसने खा लिया मिला वजह में ना. एक तो पहले मैंने डोमेन अपनी मर्जी का लिखा तो कहीं और ले गया किसी दूसरी वेबसाइट पे जो मैंने बनाई भी नहीं थी. सर्च पे तो सिर्फ फ्रंट एंड डिप्लॉय होगा ना, बैक एंड थोड़ी होगा. व्हाट इज दिस यार, यहाँ तो सब कुछ चल गया, बेहतरीन चल गया सब कुछ. यहाँ पे तो सर्वर मेरा रनिंग कंडीशन में आ चुका है और यहाँ पे ये कह रहा है नॉट फाउंड. मुझे पता है क्या लग रहा है, ये मुझे लग रहा है इन्होंने प्रोजेक्ट पे भी कोई लिमिट लगाई हुई है. डिलीटेड ऑन दिस हॉल्टिंग वेकेशन. यार अभी तो कुछ करना पड़ेगा ना. ये एग्जैक्ट हार्बर को ना मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा से मैं डिलीट कर रहा हूँ
और मेरे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें मैंने एक ऐप डाली हुई है ना कोई, उसके अंदर मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ एक एज अ सेकंड ऐप। ये जो पिंकी बबल है इसके अंदर एयर जो आपका एयर डॉट सिसबॉर्ग है ना उसमें जो API IPRE होती है उसकी सर्विस, एयर डॉट सिसबॉर्ग जो वेबसाइट है इसके अंदर जो ये IP उठा के ला रहा होता है ना आपकी, तो वो मैंने इसके अंदर डिप्लॉय किया हुआ है, वो चल रहा है कंटिन्यूसली जो है ना वो चल रहा है। एक इसमें ऐसा न्यू सर्विस में अपनी ऐप को डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक दो इसमें ताकि चल जाएं, यहाँ पे ऐसे करके देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है इसने लिमिट ऐप पे लगाई हुई हो या शायद पता नहीं ग्लिच हो रहा है इसके अंदर कोई, आई एम नॉट श्योर। थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही चला था, अब नहीं चल रहा, अजीब सी बात है यार। एक डिप्लॉयमेंट लॉग्स इसके देख लेते हैं, डिप्लॉयमेंट लॉग इसके भी पूरे हो गए, सही है, मोंगोज इज कनेक्टेड लिखा हुआ इसमें भी आ गया है। और अब मैंने क्या करना है, मैंने जाके ऐसे इसका जनरेट करना है डोमेन, जनरेट डोमेन नहीं करता हूँ इस दफ़ा, कस्टम में ना कुछ ऐसा रैंडम सा लिख देता हूँ। क्या लिखती है इसने, इनवैलिड डोमेन नेम, अबे यार छोड़ो जनरेट ही कर लेते हैं। वन मोमेंट, ये जो मेरे 88 आवर हैं ये रिमेनिंग है ना इसके अंदर, तो इसको चलाना चाहिए, क्यों नहीं चला रहा है, एक बहुत अजीब सी बात है ये। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने 5 मिनट के अंदर 88 आवर जो वो पूरे कर दिए हैं इसके, ऐसा तो नहीं हो सकता। यार अगली क्लास में ही देखना पड़ेगा, अगली क्लास में देखते हैं कि
क्योंकि हमारा रेलवे स्टक हो गया तो अभी क्या कर सकते हैं।